बोले इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था तो एक आदमी जा रहा था उसने देखा कि उस तांत्रिक ने उस विनय की बलि दे दी उसने उसके दिल में खंजर घूप दिया है तो लोगों ने देख लिया और लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया था इस घर के अंदर ब्रह्म राक्षस होता क्या है करीबन सात आठ फीट का आदमी उस बैठा हुआ है और उसके सब जगह खून लगा हुआ है मतलब और वही दो सींग ऐसे निकले हुए हैं और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है जब उसको वो शेडो दिखना शुरू हो हुआ तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है उसको फील होता था प्रॉपर वेलकम टू रियल इलेवन प्रेजेंट्स रियल टॉक विद रियल हिट दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है और आज मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का और बेसब्री से इंतजार था हमें इस मुकाबले का तो भाई एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और एक्साइटमेंट को डबल करने के लिए रियल इलेवन हमारे पास है जिसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हो आपको कुछ नहीं करना सिंपल से मैच से रिलेटेड क्वेश्चन का येस या नो में जवाब देना है और आप उसमें ढेरों जीत सकते हो तो दोस्तों चलो अब पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में और जैसा कि आपको हॉरर पॉडकास्ट जो हमारे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मजा आता है और दिलचस्पी लेते हो इतनी ज्यादा कि भाई दोबारा बार बार लाते रहो तो वंस अगेन एक और पॉडकास्ट हम आपके लिए लाए हैं हॉरर पॉडकास्ट और सर दोबारा आपका स्वागत है <laughs> थैंक यू थैंक यू और मुझे पता है इस बार भी आप हमारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया हॉरर किस्से लेके आए हो जो कि रियल हैं और काफी ज्यादा डरावने हैं डरावने तो पता नहीं लेकिन मज़ा बहुत अरे मज़ा बहुत आएगा हाँ, मज़ा बहुत आएगा आप लोगों को कुछ नई नई चीजें आई होप जानने को मिले हाँ। तो लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को देखने को और सुनने को मिलता है शायद हम चीज़ें जानते ही नहीं उनके बारे में पता लगता है फिर अपन ढूंढते यार ये भी कुछ होता है क्या फिर आपको लगता है यार ऐसा भी है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोग आई होप आप लोगों को पसंद आए और साथ साथ ऑडियंस को भी पसंद आया बिल्कुल सर पर आपके किस आपके जो पिछली बार के किस्से थे वो ऑडियंस को बहुत पसंद आए और काफी ज्यादा लोग ही फटी भी वो सुन <laughs> थैंक यू थैंक यू आई लोगों को पर्पज सॉल्व हो गया अपना <laughs> <laughs> सर कह रहे हैं थैंक यू मैंने फाड़ी यार थैंक यू <laughs> थैंक यू <थेंक> <laughs> वही तो पर्पज तो एडमिन तो होना ही चाहिए ना फिर मजा तो आएगा नहीं होना ऑडियंस सही बात है तो सर जो आप बता रहे थे ब्रह्म राक्षस के बारे में उसकी एक उसका एक किस्सा है तो पहले तो ये बताओ ब्रह्म राक्षस होता क्या है सर देखो वैसे तो मैंने जितना पढ़ा और सुना उतना ही बता पाऊंगा क्योंकि मैं वैसे एलिजिबल पर्सन नहीं हूँ जो इन एंटिटीज के बारे में इतना बता पाए लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है तो मैंने पढ़ा है कि ब्रह्म राक्षस बेसिकली बहुत स्कॉलर पंडित्स होते हैं और मतलब इनको सारे वेदों का ज्ञान होता है सारे मंत्र श्लोक्स वगैरह इनको बहुत अच्छे से कंटस्थ होते हैं और अलग अलग जगह पे डिस्क्राइबड इन करें अलग अलग तो कई लोग कहते हैं कि जब वो जनेऊ धारण करते हो अगर किसी ब्राह्मण की मौत हो जाए तो वो ब्रह्माक्षस बन जाते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं कि इस तरह के स्कॉलर पंडित हैं अगर उनकी डेथ हो गई और कोई उनके मन में कुछ रह गया है कोई इच्छा रह गई है तो वो ब्रह्मराक्षस बनते हैं अन टाइमली अन टाइमली डेथ होती है और मतलब स्कॉलर्स होते हैं ऐसा नहीं कि हर ब्राह्मण ब्रह्मराक्षस बन सकते हैं मतलब वो हाई लेवल स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने सारे वेद पुराण सब सारा ज्ञान होता है उनको बढ़िया और वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं और ये इतने फियर्स होते हैं ना कि अगर किसी के पीछे पड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत मतलब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं छुड़ा सकती मतलब जो भी हाँ वो अपनी मर्जी के मालिक हैं वैसे वो बहुत शांत होते हैं वो किसी को परेशान नहीं करते जहाँ है वहाँ मैं आपको बता दूँ ऐसा लिखा गया है मतलब अलग अलग जगह मैंने पढ़ा है कि वो जनरली पीपल के पेड़ में रहते हैं और ऐसा कहते हैं हिंदू पुराणों में कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का भी निवास होता है तो इसको पहचानने का भी तरीका होता है मतलब बेसिकली अगर एक पेड़ नीचे से तने से हरा भरा है और ऊपर से सूख रहा है तो दैट मीन्स उसमें ब्रह्म राक्षस का वास होता है ऐसा कहा जाता है और नाम भी उन्हीं से रिलेटेड है नाम भी अगर वो पेड़ अगर वो पेड़ नीचे से सूखा हुआ और ऊपर से हरा भरा है तो कहते हैं उसमें ब्रह्मा जी का निवास है अगर वो नॉर्मल है ऊपर नीचे दोनों से हरा भरा है दोनों से सूखा हुआ है तो एक नॉर्मल पेड़ है लेकिन अगर वो नीचे से हरा भरा और ऊपर से सूखा हुआ है तो ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर ब्रह्म राक्षस का निवास हो सकता है तो ऐसा कह कहा जाता है तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे साथ शेयर की थी किसी ने बहुत टाइम पहले और उनका सामना हुआ था एक ऐसी एंटिटी से और उस प्रोसेस में एक आदमी की जान भी चली गई थी सो आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आने वाली है बिल्कुल सर स्टार्टिंग से सर मजेदार तो ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में उसके पास में एक गाँव है उस गांव का नाम है गाँव में एक छोटा पार्ट है उसका नाम है उपाध्याय का टोला तो उपाध्याय का टोला नाम से तो लग रहा है कि वहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं उपाध्याय होते हैं तो उपाध्याय बेसिकली स्कॉलर ब्राह्मण्स होते हैं तो ऐसे ही पूरा एक गाँव था तो वहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं उनका नाम था रमाकांत जी तो रमाकांत जी जो थे उनके दो बेटे थे तो उनकी माली हालत ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी छोटा सा गाँव था तो उनका एक बेटा आर्मी में चला गया तो आर्मी में गया उसकी सैलरी वैलरी आना शुरू हुई धीरे धीरे तो थोड़ा घर को सपोर्ट करने लगा तो उनका डिस्कशन हुआ क्या चलो करते हैं हम बहुत दिनों से छोटे से घर में रहते हैं सभी लोग झोपड़ी टाइप कच्चा घर था तो अपन लोग गांव में एक मकान ले लेते हैं तो उस टाइम पर अच्छा मेरे पास फ़ोटोज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगा वो भी दिखा सकते हैं हम लोग अब तो चेंज हो गया उसमें बहुत कुछ तो एक घर था वो घर पहले वो ब्रिटिश टाइम का घर बना हुआ था तो उसमें शायद वो उस टाइम अंग्रेज़ वंग्रेज रहा करते होंगे उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ था तो किसी का मालिकाना हक था उसके ऊपर वो उनके पास गए उन्होंने बातचीत की तो उनकी डील हो गई तो डील हो गई तो बोले अब ये घर अपन ले लेंगे तो बेटे से बोला पेमेंट वेमेंट हुआ और अच्छा उन्होंने क्या किसी से पूछा ज़्यादा नहीं उस घर के बारे में आ, घर खाली पड़ा था बहुत टाइम से तो गाँव वाले को भी ऐसा कुछ ऐसा कुछ कुछ आइडिया था कि हाँ खाली पड़ा है कोई रहता तो है नहीं तो उन्होंने ले लिया घर अब तो उस घर में क्या था घर के जस्ट बरामदे के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था तो बिल्कुल घर की खिड़की खुलते हुए वहाँ पे दिखता था तो घर लिया सभी को बुलाया गांव में सभी लोग आते हैं तो सभी के सभी पंडित अब वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई तो बीच में घर में हवन लगा और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए पंडित जी आके बैठे और उन्होंने अपने वो श्लोक बोलना शुरू किए अब जनरली जब भी हम हवन करते हैं आँख बंद करके श्लोक बोलते हैं तो सभी वहाँ पर पंडित थे सभी अपने आँख में मंत्रमुग्ध जाते हैं वो जैसे किसी को अगर रॉक म्यूजिक पसंद है तो वो जब रॉक म्यूजिक में गया तो आँख बंद करके झूमना शुरू करता है तो जितने ब्राह्मण लोग सब आँख बंद करके बस अपने मन में श्लोक पड़े जा रहे थे अब जो मेन पंडित जो श्लोक पढ़ रहे थे उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज़ पूरे हॉल के अंदर गूंज रही थी बहुत मीठी आवाज मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि देवी आवाज़ होती है ना कि जो सब झूम जाए आदमी तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही प्रोनासीेशन से संस्कृत के अंदर कोई श्लोक बोल रहा है तो वो जो पंडित जी थे खुद बोलते बोलते रुक गए उन्होंने चारों तरफ देखा बोल कौन रहा है मुझसे भी अच्छा बोल रहा है तो चारों तरफ देखे सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं उनको लगा हो सकता है कोई बोल रहा होगा तो उन्होंने फिर अपनी आँख बंद की और अपना पूरा प्रोसेस किया तो इस तरह से वहाँ पर पूजा कंप्लीट हुई अब पूजा कंप्लीट होने के बाद ये सब लोग वहाँ पर रहने आ गए तो जो लड़का था आर्मी वाला वो तो वापस चला गया अपनी जॉब पर इनका दूसरा बेटा था और इनकी वाइफ अब ये तीन लोग उस घर के अंदर रहते थे तो ये रहने लगे ऐसा सच नॉर्मल चल रहा था सब कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी फिर ये लोग लसन प्याज खाते रहे जनरली कुछ ब्राह्मण्स होते हैं जो लसन प्याज नहीं खाते हैं तो इनकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी और वो लहसन प्याज छील के बैठी हुई थी उसने चूल्हा जलाया और वो चूल्हा जलाए माचिस से चूल्हा जले ही नहीं उसने फिर चूल्हा जलाया फिर नहीं जला तो परेशान हो गई वो मतलब उसने इवन मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की नहीं जला तो जब थक थकार गई तो उसके पीछे से आवाज़ आई कि इस घर में लहसन प्याज नहीं चलते उसने बिहारी एक्सेंट में बोला था वो एक्सेंट तो मैं भूल गया हूँ कैसे बोलते हैं बट तो उसने बोला कि इस घर में लहसन प्याज नहीं बनेगा तो पीछे घूम के देखा उसने कौन बोला कोई नहीं था वहाँ पर उसने फिर चूल्हे जलाने की कोशिश की तो बोलते सुना ही नहीं देता तेरे को इस घर में लहसन प्याज नहीं चलेगा अब उसको जो तो दूसरी बार आवाज़ आई ना तो उसको कुछ समझ में तो उठी और भाग गई घर से बाहर और बाहर जाके बैठ गई अपने घर के बाहर क्योंकि उसके, उसके हस्बैंड में इतना बेटा भी नहीं था फिर शाम को उसके हस्बैंड आए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों बैठी हो तो बोलते कि मैं घर पर खाना बना रही थी और ऐसी ऐसी मुझे आवाज़ आई तो पागल हो गई क्या ऐसा कुछ नहीं होता चल अंदर फिर वो अंदर गए सब ठीक है कुछ भी कोई दिक्कत नहीं सब कुछ नॉर्मल है तो इस तरह से एक इंसिडेंट उनके साथ ये हुआ उनको उनकी वाइफ को हुआ वो घबराई हुए भी रहती थी पर उस दिन के बाद से उन्होंने अपने घर में कभी भी लसन और प्याज नहीं छोड़ दिया उन्होंने लाना ये सारे फेंक दिए और अपने पति को बोल दिया घर में लसन प्याज नहीं आएंगे ठीक है फिर इनका जो लड़का था उसकी ये ज़्यादा नहीं थी बाईस तेईस साल का होगा तो एक दिन ये रमाकांत जी ऐसे गांव में घूम रहे थे तो इनको रमाकांत जी उसने बोला कि आपका बेटा तो वहाँ लेटा हुआ है कुछ चौबारा हुआ कुछ बोलते हैं उसको तो गए वहाँ पर देखा तो उनका बेटा बिल्कुल नशे में धुत अब उनके पूरे खानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी और वो शराब पी के लेटा हुआ और रामाकान जी का गुस्सा हो गया उन्होंने उसको उठाया राम जादे पूरे खानदान में आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया तो शराब पी के बैठा हुआ है तो उसने पता नहीं कहाँ दोस्तों के साथ कैसे करके शराब पी ली अब उसको नशे में पड़ा हुआ था रमाकांत जी से क्या बोले गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था तो उसको उठा के घर पे ले आए अब घर पे ला उसको लेटा दिया जैसे वो घर पे आया लेटा सो गया आराम से कोई दिक्कत नहीं तो रमाकांत जी को बहुत गुस्सा आया उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और किसी और को भी बहुत गुस्सा आया अब रात को करीबन तीन पैंतालीस या तीन साढ़े तीन बजे के आसपास तो उनकी जो मदर थी वो उनकी वाइफ रमााकान जी की वो उठी टॉयलेट करने के लिए तो जैसे वो घर के जो हॉल था बेसिकली उसमें खिड़की में पहुँची तो पहुँचते उनकी बहुत तेज़ चीख निकली उस पीपल के पेड़ पर उनका बेटा लटका हुआ था और उसकी जो टहनियाँ होती हैं ना उसी से उसका गला घुटकर वो लटका उसकी लाश लटकी थी वो तो देखते बेहोश उसकी आवाज़ सुनते ही रमाकांत जी भागते हुए रमाकांत जी ने आखा वो भी बहुत तेज चिल रहा है और रोना पीटना मच गया आसपास के घर वाले आए पूरे गांव में खबर फैल गई कि इस तरह से रमाकांत जी का लड़का पीपल के पेड़ पे मारा गया है और अब मारा गया तो किसी को समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या चल रहा है भाई साहब अच्छा इससे एक पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ ये पूजा वूजा हो गई ना उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर था ब्रह्म मंदिर बोलते थे उसको तो वहाँ पर ही रमाकांत जी इनके पास में एक और उपाध्याय जी रहते थे उनके साथ गए थे तो दोनों वहाँ गए तो वहाँ पर उनको एक साधु मिले वो साधुगुरु ने पहले कभी गाँव में नहीं देखा था तो वैसे जैसे पंडित थे तो देखा साधु के पैर पैर छुए बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए तो महाराज गुस्से में बोलते हैं उनसे बोले कि जब भी जीवन में कोई बड़ा काम करो ना तो अपने घर के बड़ों से बात जरूर करनी चाहिए और अगर तुम मकान खरीद रहे हो तो उसके बारे में तो ज़रूर जरूर से बात करनी चाहिए ऐसे आंख बंद करके मकान नहीं खरीदना चाहिए तब रामाकान जी ने मकान तो खरीदा था उनको कुछ बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने पूछा महाराज आप क्या कहना चाहते हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तो उन्हें बोला कि ब्रह्मराक्षस की आत्मा चौबीस साल से मुक्ति मांग रही है अब तो तुम्हारा भला बजरंग बली कर सकते हैं इतना बोल दिया उसके बाद चुप हो गया और रामाकंत सोचा नया नया मकान लिया है ज़्यादा कुछ पूछूंगा दिक्कत हो गई तो वो चुपचाप ना उठ के आ गए उसको बात तो समझ में नहीं आई लेकिन अब वो आज कनेक्ट कर पा रहे थे तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि भैया इनके घर में ब्रह्मराक्षस है क्योंकि वो जो उपाध्याय जी थे तो उनके सामने बात बोली गई थी तो अब लड़के की डेथ के बाद अब वो कार्यक्रम को समझ में नहीं अगर कोई कारण तो दिखेगा क्यों वो लटका है वहाँ पर जाके तो वो उनको याद आए वही महाराज वो वापस से उन महाराज को ढूंढने गए तो वहाँ पे जाके देखा तो वो महाराज वहीं बैठे हुए थे तो जाते उनके परम पड़ गए रोने लग गए महाराज मेरा बेटा चला गया और आपने मुझे आगा बताया क्यों नहीं तो उन्होंने बोला क्यों ब्रह्मराक्षसा है उसकी जैसी इच्छा होती है ना वो वैसा करता है वो बहुत शक्तिशाली है तुम उसका कुछ नहीं कर सकते उसको जब गुस्सा आता है ना तो वो अपने जो भी शिकार है उसका जिसके ऊपर गुस्सा आया है उसको अपने हिसाब से मृत्यु देता है तुम्हारे बेटे ने गलती की और उसको गुस्सा आ गया इसलिए वो गया तो उसने बोला महाराज मैं क्या करूँ घर छोड़ दूँ तो उन्होंने बोला तुम घर छोड़ दो कुछ भी छोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने उस ब्रह्मराक्षस को जगाया है और अब तुम्हें उसको मुक्ति दिलानी होगी जाओ बजरंगबली का आह्वान करो अब वही तुमको बचा सकते हैं बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती तो ना महाराज मैं क्या करूँ बल अनुष्ठान करो अपने ऊपर भरोसा रखो भगवान पर भरोसा रखो अगर भगवान की कृपा रही तो शायद तुम उससे बच पाओ उसे मुक्ति मिल गई तुमने अगर उसे मुक्ति दिलवा दी तो वो चला जाएगा वरना तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता सर इसकी वैसे पावर सॉरी मैं काट रहा हूँ बीजो स्टोरी कि अगर इसकी पावर के बारे में बात करें ब्रह्म ब्रह्मसी तो आप बता सकते हो थोड़ा क्या कितना पावरफुल होता है ये बहुत एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं एक्सट्रीम पावरफुल मतलब अगर आप जैसा बताया गया है कि सात आठ से नौ फिट के आसपास की हाइट हो जाती है विजुअल विजु जब आते हैं तो और इसमें स्टोरी में भी डिस्क्राइब किया गया उनको और ऐसे कहते हैं कि दो ऐसे सीन से निकले हुए होते हैं जो राक्षस को दिखाते हैं जनेऊ हमेशा होती पहनी हुई और बाकी तो पंडित का फेस होता है पूरा टीका जरूर लगा हुआ होता है सिर के ऊपर तो जो ब्राह्मण और राक्षस का मिक्सचर वो होते हैं पूरा अब बोलने को आप इनको लेजेंड भी बोल सकते हो बट जिनके साथ एक्सपीरियंस है वही बाली बात है तो ये नॉर्मल पूजा से नहीं जाते नहीं, तो नहीं पूजा ये नहीं जैसे नॉर्मल क्या होता है ना मतलब इनमें लेवल होता है एंटिटीज का मतलब जीरो लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक की तो ये लेडर में बहुत ऊपर होते हैं तो हर कोई इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकता ना दिक्कत तो या मंत्र वंत्र का ज्यादा असर नहीं होगा इन पे इनको कंट्रोल करने के लिए मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उसका मीडियम भी बहुत हाई होना चाहिए है जैसे सीधा या तो किसी बड़े देवता से वो कनेक्ट हो रहा है क्योंकि लेडर में देवता थोड़ा सा नीचे हैं बस अच्छा अच्छा तो इसलिए तो वो उनको पावर इसीलिए मिल जाती है क्योंकि वो इतने बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना तो उनका जो मेंटल लेवल होता है जो मेडिटेशन लेवल जो अपन स्पिरिचुअल लेवल जो बोलते हैं वो बहुत हाई होता है तब एक नॉर्मल आदमी जो ट्रैप में फंसा हुआ है वो कहाँ उस स्पिरिचुअल लेवल को कनेक्ट कर सकता है और आप ये भी कह रहे थे कि वो आपके साथ साथ वो आ, कुछ भी आप हाँ हाँ आप, चारे, आप जो भी मंत्र बोलेंगे आप हनुमान चालीसा बोले वो आपके साथ साथ बोले वो डरेंगे नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं आप हनुमान चालीसा बोलो वो आपसे ज्यादा स्पष्ट और अच्छे के अंदर बोलेंगे आप संस्कृत का कोई श्लोक बोलो वो आपके साथ साथ बोलेंगे अगर वो वहां होंगे तो बाप रे तो सर उनसे बचा कैसे जाए मतलब अगर उनके खुश रख करके रखो उनके हिसाब मतलब नहीं नहीं ऐसे नहीं कि चलते फिरते आदमी को पकड़ लेते वो

प्यारे इस केस में ये दारू भी कर बच्चा और प्लस लसन प्याज भी घर में था हाँ वो उनका नियम था ना वो जब वो जिंदा थे जब भी इस दुनिया में थे उनका नियम था कि मेरे घर में शराब मांस लसन प्याज नहीं आ सकता है पहले आपने एक गलती करी आप लसन प्याज बना रहे हो पहली बात तो आपने पता ही नहीं किया कि इतने टाइम ता से घर खाली पड़ा हुआ है क्यों चलो आप आए आपको एक बार उसने आगाह कर दिया कि लसन प्याज मत बनाओ उस घर के अंदर फिर आपने इग्नोर कर दिया अब क्या बोलेगा अगला फिर आपका बेटा क्या आ गया हाँ तो वो उनके उनके लिए तो उनके तो तो नियम टूट गए ना आ गया गुस्सा कहानी पे आगे बढ़ते हैं हाँ तो भाई पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है ना आगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली लेकिन उससे पहले आप ये वाली बात सुन लो भाई रियल इलेवन पे आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हो ना हाँ और ना है तो भाई आप जाके काम करो प्रो प्ले खेल लो यहाँ पर भी आपको मैच के अराउंड बहुत ईजी क्वेश्चन के आंसर देने और आप जीत सकते हो लाखों और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेट कर सकते हो यानी कि जितना भी आपकी धनराशि आप जीतने वाले हो आपको वहाँ पहले ही दिख जाएगी और जो दिखेगी वही आपको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शंस ठीक है समझ गए ना तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो रियल एवन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है चलो आप पॉडकास्ट वागर बढ़ाते हैं पूरा देखना है एंड तक चलो सो so, अब रमाकांत जी और उपाध्याय जी दोनों वापस घर पर आए तो उपाध्याय जी रमाकांत जी से बोला रमाकांत जी आप तो एक काम करो बैठो अनुष्ठान करते हैं और अच्छा उन्होंने कहा था कि आपको मतलब रुकना नहीं है आपने एक बार शुरू कर दिया ना पता नहीं कब आएगा कब होगा कब बस करते जाना है तो उन्होंने अपना नियम बांध लिया दो उन्होंने शुरू किया साथ में जी ने उपाध्याय जी ने अनुष्ठान करना तो हनुमान जी का हनुमान अष्टक होता है एक हनुमान कवच हनुमान चालीसा अंजने स्त्रोतम ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है संस्कृत के अंदर तो एक एक करके सबको पढ़ते थे तो बैठे पूरा प्रॉपर उन्होंने अपना पूजा रूम सेटअप किया अपने रूम के अंदर जाके और वहाँ पे उन्होंने शुरू किया पहले दिन दोनों ने बैठ के किया अब जैसे उन्होंने श्लोक गाना शुरू किए श्लोक उधर से भी आना शुरू हो गया और श्लोक आ रहे थे पीपल के पेड़ की तरफ से मतलब जो खिड़की थी वहाँ से आवाज़ आ रही थी तो अब तो पता ही था सबको तो वहाँ पे श्लोक चल रहा है वो घबरा गए शुरू करते ही आप सोचो आप भगवान की पूजा करने बैठे हो आपको पता है कि ऐसी एंटिटी आपके आसपास है और आपने शुरू किया और वही आवाज़ आपके साथ भी आने लग गई तो बेसिकली उसको विचलित करना चाह रहे थे शुरुआत में क्योंकि वो डिटर्मिनेशन देखते हैं इंसान का बहुत तो जैसे वो आवाज़ आई दोनों घबराए दोस्त फिर इधर उपाध्याय जी बोले रमाकांत जी भगवान पे भरोसा रखो हनुमान जी साथ में आप तो करो मैं भी आपके साथ बैठा हुआ तो पूरे दिन बैठ के उन्होंने अपना पूरा कंप्लीट किया फिर उसके बाद शाम हुई तो वो उपाध्याय जी बोले कि रमाकांत जी बस ऐसे ही रोजाना आपको करना है वो भी कब तक बैठ पाएंगे रोज़ तो नहीं बैठ सकते उनके भी काम धंधे वगैरह सब कुछ है तो बोले कि आपको कंटिन्यू करना है कभी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना तो अब उधर रमा गांधी ने नियम बांध दिया वो रोज़ सुबह उठते और घर के अंदर रोजाना श्लोक चालू और उधर से उधर से आवाज़ चालू दोनों सेम काम साथ चलते थे एक सौ सात दिनों तक लगातार उन्होंने ये काम किया अब इमेजिन करें एक सौ सात दिन का उनका पूरा दिनचर्या बन गई थी ये खाना वाना खा पी के अपना सब कुछ करके एक सौ सात दिन तक कुछ भी नहीं हुआ एक सौ आठवें दिन वो पूजा कर रहे थे और पूजा कर रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है ना पीछे कोई खड़ा तो आपको सेंसेस तो हो ही जाते हैं तो उनको लगा कोई पीछे खड़ा हो जैसे उन्होंने पीछे घूमा घूम के देखे तो उनके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था मतलब वही ब्रह्म राक्षस के साथ साक्षात था तो जैसा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने कि करीबन सात आठ फीट का आदमी उसे बैठा हुआ है और उसके सब जगह खून लगा हुआ है मतलब और वही दो सींग ऐसे निकले हुए हैं और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है वो कुछ ना कुछ संस्कृत में बड़बड़ाया और जितने कुछ बोला रामाकान्त जी बेहोश और तेरी आप देख लो ना अगर आप एकदम से ऐसे देख लोगे तो आप अपने अपने भी हो सकते हैं फ्यूज उड़ जाता है सारा सर और उठे वो उठ के ही वो बोले कि देखा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे तो तो उसकी बीवी आई थी फिर आप बेहोश क्यों गए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को वो सामने दिखाई दिए तो अब उनको समझ में नहीं आया कि दिखाई क्यों दिए तो फिर वो वापस से अब किससे पूछे है? तो उनको तो ये क्या नजर आए वो साधु तो वहाँ गए मंदिर पर देखा तो साधु है ही नहीं वहाँ पर सब जगह ढूंढ लिया साधु महाराज नहीं मिले और वो अकेले फंस गए करूँ तो क्या करूँ फिर वो वापस अपने घर पे आए अब उनका वनुष्टान भी टूट गया अब वो समझ में नहीं आया उनको क्या करना है तो वो सोए आके जैसे उनको नींद आई ना एकदम से उनकी आँख खुली और आँख खुल के उनको ऐसा लगा कि अपने आप ही वो उस पीपल के पेड़ के वहाँ चले जाएँ उनको ऐसा फ़ील हुआ अपने आप से कोई आप बोले एलाइटमेंट हुए एलैटनमेंट हुआ या फिर ऐसा कोई ऑर्डर आया उठे और वहाँ जाके और पीपल के पेड़ के पास खड़े हो गए फिर उनका मन किया कि मैं यहाँ बैठ के पूजा करूँ तो वो अपना सारा उन्होंने सेटअप किया वापस से हवन वगैरह सब और वो बैठ गए उसके अंदर पूजा करने और जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया उनकी नज़र पड़ी पर पीपल की डाल पर तो वहाँ पर वही राक्षस बैठा हुआ था पीपल की डाल के पर वो उनको घूरे जा रहा अब इनकी हालत खराब इनको डर लगे बुरी तरह से कि यार सामने वो बैठा हुआ है क्या करेगा ये मेरा पर इनका निश्चय दृढ़ निश्चय कि नहीं अब तो मैं अनुष्ठान पूरा करूँगा और उन्होंने वहाँ पर बैठ सारा अनुष्ठान करना शुरू किया और इधर ये करे और उधर से वहाँ से आवाज़ चालू और अब आवाज़ जितने लोग खड़े सबको सुनाई आ रही है ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले को अकेले को सुनाई आ रही है अच्छा दिख रहा किसी को नहीं दिख रहा है एक इंसान को है लेकिन सबके सब अनुष्ठान कर रहे हैं पूजा चल रही है साथ साथ में फिर बहुत देर तक वो करते हैं फिर उनको सामने से एक ऐसे रोशनी से चलती दिखा दी आई और एकदम से वो रोशनी आके ऐसे फैल गई रमाकांत जी बेहोश उसके बाद सब कुछ शांत वो दोबारा उठे उठ के देखा तो उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं दिया मतलब जो एनवायरमेंट था वो बहुत लाइट हो चुका था उनके लिए करीबन सुबह चार पाँच बजे तक का ये सारा प्रोसेस चला उनका फिर वो सीधे उठे और अपने वो उपाध्याय जी ने, ने डिस्कस किया आपस में वापस से वहाँ गए मंदिर तो मंदिर पे वही साधु बैठे हुए तो जाके उनको प्रणाम ना किया और बोला कि महाराज ऐसा हुआ तो उन्होंने बोला कि रमाकांत जी आपके दृढ़ निश्चय से उस ब्रह्मराक्षस को मुक्ति मिल गई है अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आप इस घर के अंदर रह सकते हो अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा वो जो था वो जा चुका है और बस आप रहो आराम से तो उन्होंने कहा कि सब क्या रहूँ मेरे तो बेटा चला गया हनुमान जी कहाँ थे जब मेरा बेटे को मार रहा था तो उसने बोला कि ये सब हमारे बस की बात नहीं है हमारे इच्छा की बात नहीं है उसने गलती की उसने सजा दी आपने उसको मुक्त करा के उसको बाहर हटा दिया है अब आप आराम से यहाँ रह सकते हो तो कुछ टाइम और रहे वहाँ पर फिर उसके बाद वो वहाँ से चले गए बेच दिया उन्होंने वो घर आज भी वहाँ कई लोग रहते हैं लेकिन उसके बाद कभी उनको कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ सर आपको ये स्टोरी किसने भेजी थी मतलब किसने शेयर करी किसी क्लोज, नहीं उनके नहीं, नहीं। अच्छा। क्लोज ने तो नहीं पर उन्होंने प्रूफ्स भेजे हैं वो जगह भेजी है है और जिन्होंने भेजी वो दिल्ली से बिलोंग कर अरे बाप रे ऐसी और स्टोरीज है ब्रहराक्षस पे तो मतलब मैं थोड़े दिन पहले भी मैंने एक पढ़ा था पर उसमें वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो थो थोड़ा अलग वो है मैडम उसमें क्या था कि बच्चा था गाँव से आया था और घर वालों पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक नहीं था वो तो माँ बाप भी उसके ऐसे पुराने बहुत बहुत पिछड़े गांव में रहते थे तो आगे के मैं कुछ सीख के आऊँगा जा रहा हूँ तो जाके ऐसे बैठ गया एक ख़राब सा घर था कई सालों से बंद पड़ा था तो बैठा हुआ था बहुत पुरानी बात बताते हैं इसको तो वो भी वही ब्राह्मण था वो बच्चा भी तो ऐसे बैठा था तो दो लोग जा रहे थे दो ऐसे वही वो, वो भी ब्राह्मण थे जैसे पंडित वगैरह होते हैं ना जो शास्त्रीय टाइप ऐसे तो उसने रोक के उनसे पूछा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ मतलब मुझे भी आप अपने आश्रम ले चलो उन्होंने तो बोला कि आश्रम जा क्या करेगा इसमें चला जा यहाँ अंदर जा और तेरे को यहाँ गुरु जी मिलेंगे तेरे को सब कुछ सिखा देंगे तो अनभिघे वाला चला गया अंदर जैसे वो अंदर गया दोनों बोलते हैं अब अब सच्चाई सामने आ जाएगी इस घर में ब्रह्मराक्षस रहता है या फिर नहीं रहता है तो उसमें फिर वो जाता है अंदर पूरा घर खाली पड़ा हुआ है लेकिन ऐसे तीन चार फ्लोर्स होते थे तो जब तीसरी फ्लोर पे वो जाता है तो देखता है कि तीसरी फ्लोर से बिल्कुल जगमा गया बढ़िया साफ़ सफाई हो रखी है वहाँ पर और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है वो बैठा रहता है बैठा रहता है पूरा दिन निकल जाता है उसको कोई दिखता ही नहीं है पर उसे दिख लग रहा है कि बाकी सब फ्लोर गंदे हैं लेकिन ये वाला फ्लोर बिल्कुल साफ़ है तो शाम के टाइम जब होती है सूरज ढलता है तब जाके उसे सामने एक गुरु दिखाई देते हैं मतलब अंदर कमरे के अंदर वो ऐसे ढूंढता है वापस उठ के देखो तो यार कोई हैवी नहीं मैं फालतू तो रात हो रही है निकलो फिर यहाँ से वरना तो जाके देखता है तो एक कमरे के अंदर एक बाबा बैठे हुए होते हैं उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ऐसे किसी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दे सकते हो तो उन्होंने उस बच्चे को देखा और बोला कि तुझे यहाँ भेज मतलब तुझे डर नहीं लगता तो मतलब डर किस बात का आप गुरु हो मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूँ मैं अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करना चाहता हूँ पढ़ लिख कर तो उन्होंने बोला कि अच्छा चल ठीक है कल बात करेंगे अभी तू खाना वाना खा ले तो उसने बोला खाना खाएँ बोले तू बाहर जा खाना खा ले तो बाहर गया तो उसके लिए खाना रखा हुआ था तो उसको समझ नहीं आया खाना वाना कहाँ से आया तो खैर इसको तो मैं शॉर्ट करता हूँ बहुत छोटे तो ऐसे वो अगले दिन गया अगले दिन उन्होंने फिर उससे पूछा तो उन्होंने पूछा उससे कि यार बता आप तेरा क्या है बोला महाराज मैं तो सीख के जाऊंगा आपसे बोला देख ले तो दृढ़ निश्चय कर ले एक बार अगर तू यहाँ रुक गया तूने अगर ये निश्चय कर लिया कि तुझे तो मुझसे सीखना है तो अगले बारह साल तक तू इस घर से बाहर नहीं निकल सकता है. उसने बोला जो हो मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ आपको जो करना है करो मैं तो दीक्षा लेने आया हूँ सीख के जाऊँगा तो उन्होंने उसको टटोल लिया कि बच्चे का मन बिल्कुल साफ़ है बिल्कुल भोला है तड़पाया हुआ है लोगों का तो उन्होंने बोला चल ठीक है फिर उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया बारह साल तक उन्होंने सिखाया उसको मतलब बारह साल में उसको जितने भी वेद थे या सबका ज्ञान दे दिया फिर जब लास्ट दिन था तब उन गुरुजी ने उससे बोला कि बेटा अब तेरी दीक्षा तेरी शिक्षा पूरी हो गई है अब तू जा और अपने माँ बाप के पास जा तेरे को जहाँ जाना है अच्छे कर्म करना और अब शायद दोबारा तो मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊँगा तो लास्ट मोमेंट था तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि आप मुझसे नहीं मिल पाओगे तो उन्होंने बताया कि मैं एक ब्रह्मराक्षस हूँ और ये मेरा एक काम अटका हुआ था कि मुझे जो कुछ मुझे आता है मुझे अपने एक शिष्य को देना था तू मेरे पास आया तेरा निश्चय दृढ़ था तेरा मन साफ़ था इसलिए मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है अब मुझे मुक्ति मिल गई है तो ये मेरा आखिरी दिन है और अब मैंने जो तुझे सिखाया है वो मतलब लोगों के भले काम के लिए करना और इतना कह के बाबा जी गायब ये भी सच्ची कहानी है अब ये मैंने पढ़ी थी इसका मैं ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकता मतलब किसी ने भेजी थी या? नहीं, नहीं, ये मैंने कहीं बहुत पुरान टाइप से ढूंढ ढूंढ़ के वहां से वैसे रिसर्च रहा था डिस्क्रिप्शन आप दे रहे थे हर किसी के वही ना कह रहा किसके साथ अपेयर होना है नहीं नहीं, नहीं। हाँ, वो उनकी मर्जी है और वो कैसा एनलाइटमेंट है तो मेरे हिसाब से इनमें भी अलग अलग होते होंगे हाँ ये गुड साइड भी है तो ये मैंने पढ़ा था इसके में ऑथेंटिसिटी भी कुछ नहीं बोलता था वैसे सर कोई अगर आ जाए कोई दिख जाए ऐसे वाले रूप में तो ऐसी तो निकल जाए अगले आदमी मेरे वो बोलते हैं ना बेहोश इसीलिए हो जाता है आप अनिमेजी जब सामने आ गया अब हो सकता है वैसे तो आएगा ही नहीं मैं इसमें तो मैं पक्का हूँ ऐसे नहीं दिखते आपको अगर आप बाय चांस कभी कभी ऐसे आपके आगे हुआ कि तो ऐसे एक नहीं आपने अगर देखो पूरी स्टोरी को देखा हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत लेट हुआ था आपको एकदम से कुछ नहीं दिख रहा है और जिसको दिखा वो बताने के लिए बचा नहीं था क्योंकि उसने गलती की थी सही कह रहा तो वो उसके लिए वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी पर अब एंटिटी के जो नियम थे उसके थे यार वो रहता था वहां पे उसके नियम थे आपने तोड़ दिया तो तो उसके लिए उसने सजा उसका है वो, तो वो वैसे बहुत शांत होता है ऐसा बोलते हैं बट जब गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी के वो नहीं बट अगर वो घर छोड़ देते तो भी वो भ्रमराक्षता नहीं नहीं, नहीं उसने ही जगाया है तो वो वो तो ऐसे है ना उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता अब आज हल्क छोड़ दो आप बड़ा गर्ग वो बड़ा वाला हल्क अब उसको कौन कंट्रोल कर लेगा सही बात है सर वो तो वाली कहानी है उसकी तो मेरे को तो ये लगता है सिस्टम कुछ ऐसा ही उसका <laughs> खतरनाक वाला सर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे तो मैं आपको एक एक तांत्रिक की स्टोरी सुनाता में तो है। पे वो, वो, वो मुंडी मंत्र जाप हो रहा है या फिर डॉल है उसमें वो सुई रही है? जैसे मान लो बाहर एक तांत्रिक आए बोले के मैं थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहता हूँ बैठना चाहता हूँ आप उसे आने दोगे नहीं सर देखो अगर हमारे आगे आ गए वो तो हम तो ऐसा कुछ करेंगे की जैसे एंट्री तो नहीं दे पाएंगे लेकिन एक ही दान उनको बुरा भी ना लगे कुछ दान वान में माफ़ी वाफ़ी मांगने तो क्योंकि तांत्रिक की इमेज ही यही होती है हाँ, हाँ। क्योंकि हम जब सब सबसे ज़्यादा मूवीज़ और इन सबसे इंस्पायर्ड होते हैं हमने जिस भी मूवी जब भी तांत्रिक देखा है तो वैसा ही होता है जो उकल्ट होता है बेसिकली आत्माएं पकड़ना और किसी के ऊपर कुछ करवा देना और ऐसे कई लोगों के पास सिद्धियाँ होती है वो वैसे भी गलत यूज़ करते हैं उनका बट गलत यूज़ करते हैं तो लास्ट में जाके उनके साथ भी गलत होता ही है तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस में दिख भी जाएगा लेकिन इनका एक कुछ ऐसे भी होते हैं इनका बहुत बेटर साइड होता है बहुत अच्छा साइड होता है कुछ लोग अपने खुद के नॉलेज के गेन करने के लिए कुछ लोगों का भला करने के लिए ऐसे काम कर मतलब तंत्रा इज बेसिकली साइंस तो ऐसा बोला जाता है फिर अगेन मैं फिर भी एलिजिबल नहीं बट मैंने जितना सुना देखा उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ साइंस टू कनेक्ट विद हायर बींग्स और लोअर बींग्स मतलब आपके पास मीडियम से तो आज आपको किसी से यू में बात करनी तो ऑब्वियसली फ़ोन से करोगे या नेट से करोगे तो मीडियम में कनेक्ट करने का तो ऐसे ही तंत्रा इज़ लाइक like, तंत्रा इज़ टूल आपके पास टूल है तो तंत्रा क्या होता है छोटा रास्ता होता है उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं वो तो बड़े गुरुज ही बताएंगे तो मैंने जितना तो सीखा है बेसिकली क्या होता है कि एक सही साइड भी होता है कुछ लोग जो होते हैं बहुत अच्छे जो मेरे से अपनी बात भी हुई थी कि कई लोग जो इनको भगाते हैं या ठीक करते हैं लोगों को जिनके साथ कुछ इशू होता है तो तो ऐसी एक आ, स्टोरी है तो यहाँ पर क्या था ना आ, ये है हिमाचल की तो आई थिंक शिमला के आसपास की कोई जगह थी तो वहाँ पे एक व्यवसायी मतलब छोटा व्यापारी था व्यापारी कहता उनका टेंट वगैरह का काम था तो टेंट हाउस का पूरा अच्छा खासा काम था उनके दो बच्चे थे एक था बेटा उसकी एज थी करीबन तीन साल के आस तीन चार साल के आसपास की एज थी और एक बेटी थी जो करीबन नौ दस साल के आसपास की रही होगी जो बेटे का नाम था उस टाइम पे उन्होंने सोम रखा हुआ था अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और बेटी का तो अगर मुझे नाम नहीं पता तो उन्होंने क्या किया उनका पहले वो किराए के घर में रहते थे अब किराए के घर में टेंट का सामान कहाँ रखें तो उनको टेंट के सामान के लिए गोदाम रखना पड़ता था उसका किराया देना पड़ता था फिर कभी भी काम आए तो पहले गोदाम पे जाओ फिर जाओ और शहर से दूर था तो उन्होंने एक घर ढूंढना शुरू किया अपने पैसे से जुड़े थे उन्होंने अपना बजट था उनको उन्होंने घर ढूंढने शुरू किए तो अलग अलग घर ढूंढे उन्होंने तूने तो अपने जो शहर था उससे चार पाँच किलोमीटर दूर ही एक घर दिखा बढ़िया बड़ा घर था उसमें घर बना हुआ था घर के इस तरफ एक मंदिर था और पीछे बहुत बड़ी जगह थी खाली तो उनको ने देखा उनको घर पसंद आ गया कि यार यहाँ पीछे वाली जगह पर तो मैं अपना टेंट का गोदाम बना लूँगा घर है ही घर पुराना था उसमें कोई रह नहीं रहा था तो उन्होंने पसंद आ गया भाई घर पसंद आ गया फिर उन्होंने अपनी बीवी को दिखाया बच्चों को सबको पसंद आ गया अच्छा जब इनको पैसे का पता लगा तो जितना बजट ही लेकर चल रहे थे उससे कम बजट में वो घर था उससे पहले जितने भी घर देखे उनके बजट दे थे लेकिन ये घर बड़ा भी था और अपने बजट से कम में भी था बिल्कुल आप वही सोच रहे हो ना <laughs> मैं तो ये सोच रहा हूँ जो घर खाली होगा कभी नहीं लूंगा जिंदगी में <laughs> और प्लस जो कम बजट में है और एरिया बड़ा है तो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना है <laughs> इंडिया घर कोई मजबूरी यार यही लेना है मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई नहीं लो भाई घर लो ये भाई सबसे कॉमन पॉइंट होता है हाँ। भाई कुछ भी चीज खरीदने का लालच सिर्फ पैसा ही होता है अगर वो कम दिखा रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गड़ गड़ है। पर यहाँ उसका लॉजिकल रीजन था कम होने का सो so, मैं इसलिए कहता कि आप वही सोच रहे हो ना वो <laughs> तो बदलने वाला है अभी। <laughs> <laughs> ट्विश्ट। ट्विश्ट है अभी कहानी में ट्विस्ट ट्विस्ट सो अब वाले लोगों से बात की तो आस लोगों ने बोला कि ये घर में तो भूत रहता है बोले यहाँ पहले भी एक फैमिली रही थी वो कुछ दिनों में खाली करके चली गई तो अब किससे पता करें तो उन्होंने ओनर को ही कॉल किया तो जो ऑनर थे वो दिल्ली में रहते थे उनका मेडिकल स्टोर वगैरह कुछ था यहाँ पर तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब घर तो मुझे पसंद आ गया है लेकिन एक तो इसकी कीमत मार्केट से बहुत कम कर रखी है आपने और दूसरा गांव वाले बोल रहे हैं कि घर तो शापित है इसमें तो भूत वगैरह रहता है तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ फिर आप देख लेना तो उन्होंने बोला कि मे ये घर मेरा नहीं है मेरे चाचा जी का है वो तांत्रिक थे और वो इस गांव में लोगों की हेल्प किया करते थे किसी को कुछ हो गया छोटा मोटा काम हो गया पूजा वूजा करवानी हो करवा दिया करते थे तो इस तरह से वो तांत्रिक थे इसलिए गाँव वाले बोलते हैं कि उनका भूत है घर के अंदर बाकी मैं क्यों इस घर को बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे उनकी कोई संतान तो थी नहीं मैं इकलौता वारिस था तो मुझे तो ये घर मिल गया तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है तो फिर आप यहाँ के क्यों नहीं रहते बोला भाई साहब मेरा यहाँ पे बड़ा काम है मेडिकल स्टोर बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है मेरा मेरे बीवी बच्चे हैं बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं मैं पागल हूँ जो दिल्ली छोड़ के वहाँ के रहूँगा गाँव के अंदर ठीक है और ये घर वैसे भी मैंने अपने पैसों से खरीदा ही नहीं है ये तो मेरे चाचा ने दे दिया मुझे मेरे को तो विरासत तो मिला है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने में बिक रहा है ठीक है और दूसरी बात ये आप कह रहे हो कि इसमें कुछ है तो इसमें मैं खुद रह चुका हूँ एक डेढ़ महीना आया था छुट्टी बनाने में मुझे तो कभी कुछ नहीं फील हुआ ठीक है बाकी गाँव वाले जो बोले वो बोल सकते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता उसका तीसरी चीज़ यह है कि अगर आपको इस कीमत में इतना बड़ा घर मिल जाए तो वो ले लो ऑफर आपके सामने है लेना है तो लो वरना कोई दिक्कत नहीं पड़ा रहेगा मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे बिकेगा तो भी बढ़िया है और नहीं बिकेगा तो और भी बढ़िया पड़ा रहेगा फोर्स नहीं किया अल्लाह अपनी अपने ऊपर छोड़ दिया लेना छोड़ दिया उन्हें बता दिया सच्चाई ये है अब आप गाँव वालों की मान लो मेरी मान लो या अपनी मान लो आप डिसाइड कर लो अब आदमी धर्म से में फंस गया फिर किसके पास जाएगा बीवी के पास बीवी के पास पहुंचा, बीवी से पूछा तो बीवी बोली कि देखो अगर लोग कह रहे हैं तो ऐसा घर लेना तो नहीं चाहिए लेकिन ऑप्शन भी क्या है तुमको अपना काम भी करना है तुम बहुत दिनों से सोच भी रहे हो तो बेसिकली वो ड्रीम हाउस था उनके लिए तो उसकी बीवी ने बोला कि काम करते चलते हैं घर में पूजा पाठ करवा लेंगे रह के देखते हैं तो बोला ठीक है अब भाई डील हुई मकान लिया <coughs> मकान लेके थोड़ा बहुत उसका रिनोवेशन कराया अच्छा हाँ उसने एक और चीज़ कही थी कि आप एक काम करो आप ले लो घर वैसे भी पुराना घर है क्या रहोगे इसमें इसको तोड़ दो बढ़िया पूजा पाठ करवाओ और नया घर बना लो तो अब उन्होंने लिया पर उनका इतना बजट नहीं था कि तोड़ के दोबारा बना ले क्योंकि बिजनेस भी तो है वो तो संभालना होता है तो उन्होंने ले लिया उसी को रिफर्बिश करवा लिया वापस से रिनोवेट करवा के उन्होंने बोला कि बाद में थोड़े टाइम पैसा इकट्ठा हो जाए तो बनवा लेंगे अभी पूजा पाठ करवाते हैं तो ठीक है साहब पूजा पाठ हुआ अब जैसे ही पूजा पाठ हुआ घर में तो सब बहुत कुछ लोगों को बुलाया कि अब गाँव वाले तो आए ही नहीं कि भूता घर है इसमें कौन जाएगा तो इनके खुद के क्लोज परिवार के पांच छः लोग थे ये जो बच्चा है जैसे सोम है जो उसकी नाना नानी थे ये सब थे तो हवन जलाया गया अब जैसे हवन जलाया गया तो हवन का धुआं तो पूरे घर में फैलता है लेकिन यहाँ धुआं निकल के गेट से बाहर जा रहा सिर्फ ना इधर जा रहा ना इधर सिर्फ एक डायरेक्शन में सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में तो सब लोग देख रहे हैं धुआं इधर ही क्यों जा रहा है <laughs> तो उनको लगा हवा हवा चल रही है खिड़की से हवा आ रही होगी इधर जा रहा है तो उन्होंने जाकर खिड़कियाँ बंद कर दी कि अब कोई हवा नहीं आएगी अब पूरे घर में फैलेगा और वैसे भी अच्छा धुआं होता तो घर में फैलना चाहिए लेकिन वो धुआं तो भाई साहब गेट के बाहर ही जा रहा अच्छा। अब सब लोग सोच रहे हो क्या रहा है पंडित भी जो कर रहे वो भी सोच रहे कि, कि चक्का चल बंद करने के बाद भी उसी तरह हाँ हाँ गाँव का पंडित तो आया ही नहीं पंडित भी बाहर से बुलाया गया था क्योंकि गाँव पंडित मना कर दिया मैं तो नहीं कर रहा और वो भी पंडित बहुत चक्का रह गया उसने भी ध्यान नहीं डाल छोड़ा तो अपना काम करते हैं पूजा वूजा हुई सब सेटल हुआ फिर उसके बाद ही लोग रहने लग गए अब एक दिन की बात है ये जो बच्ची थी इसके मतलब ये दो सिस्टर ब्रदर थे तो ऐसे ही वो बच्चा जो था वो ऊपर छत के ऊपर खेल रहा था और नीचे वो बच्ची अपना काम कर रही थी तो उसकी मम्मी ने उसको लगे जा सोम को बुला ले नहा लेगा तो उसने आवाज़ दी सोम नीचे आ जा नहा ले। तो उधर से आवाज़ आती है सोम की नहीं एक बड़े आदमी की मैं नहीं आऊँगा मैं नहाता नहीं हूँ पर ये क्या वो भाग के अंदर की बोले मम्मी मैंने उसको आवाज़ दी और ऐसे आवाज़ आई तो तू पागल है क्या तू बोलती नहीं मैं मैं सही बोल रही हूँ इतने में सोम उतर के नीचे आ गया तो बोलती उससे कि तेरे को मैंने आवाज़ दी थी ना बोलते दीदी दी, मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी अब छोटी बच्ची कौन विश्वास करेगा उसको उसको लगा पता नहीं क्या चक्कर है तो फिर उसने उसकी मम्मी ने बोला कुछ नहीं तेरा दिमाग खराब हो गया तेको क्योंकि नौ दस साल के बच्चे को पता होता है कि घर में भूत भूत की बातें चल रही तो ऐसा है ठीक है साहब अब फिर सब सब कुछ नॉर्मल चल रहा फिर ऐसे ही एक दिन वो वापस से बैठे कुछ पढ़ रही थी तो उसको सामान चाहिए उसने वो लगाई सोम तो उसे उसने सोम बोला उधर से फिर से आदमी कहा हाँ चुप हो गई बच्ची वापस से उसने फिर जा कर अपनी मम्मी से बोला तो उसकी मम्मी बाहर निकली घर से और चारों तरफ देखा तो अब उसकी मम्मी घूम कर आई और वो बच्ची बड़ी उधर घबराई हुई है तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा कोई भी तो नहीं है यहाँ पे कोई रेडियो वेडियो बज रहा होगा तो बोलते मम्मी काम करो इस बार आप आवाज़ दो तो उसकी मम्मी ने आवाज दी सोम उधर से आवाज़ आई हाँ अब आवाज़ आती उसकी बिल्कुल सन अब क्या आवाज़ उस लड़की को नहीं आई उन्हीं को आई सिर्फ तो लड़की शक्ल दे कर पहचान गई आई ना आपको आवाज़ बोली हाँ इतना बोलते हुए उन्होंने बच्चे को गोदी में उठाया उसको लड़की को लेकर बाहर जाके बैठ गई घर के, के। हस्बैंड आए शाम को तो उनसे आते उन्होंने सब कुछ बता दिया कैसे घर में आवाज़ आ रही है तो बोलते है, तुम लोग ना फालतू में डर रहे हो ये सब कुछ नहीं होता है ठीक है बकवास मत करो यहाँ आए नए नए ये गाँव वाले हैं ना ये परेशान कर रहे हैं तुम चलो घर के अंदर मैं भी देखता हूँ आज क्या होता है तो आए खाना वाना खाया बढ़िया बोले देखो कुछ भी नहीं है कोई होता तो आवाज़ आती ना बार बार तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ नहीं है जाके सो गए और वो बच्ची को नींद नहीं आए तो जब सब कुछ शांत हो गया घर के अंदर रात के टाइम पे साढ़े दस ग्यारह बजे के आसपास उस टाइम तो लोग वहाँ पे तो वैसे ही जल्दी से जाते हैं तो उन्हें चेक करने के लिए कि वाकई में कोई है या नहीं उसने आवाज़ लगाई सोम बहुत धीरे से तो उसका आवाज़ आई हाँ ओ भाई साहब लड़की तो उठ के रोन लग गई पापा को बताया कि ऐसे आवाज़ आई अब उसके पापा खड़े हो गए बोले क्या तुमको बार बार आवाज़ आते थे लोग मैं आवाज़ लगाता हूँ उन्होंने लगाई सोम उधर से फिर आवाज़ आई हाँ अब भाई सोन की सिट्टी पिट्टी गुम अच्छा इधर और किसी को आवाज़ नहीं आई क्योंकि तो जो आवाज़ लगाता है उसी को आवाज़ आती है और उनकी शक्ल देख के उनको लग रहा था कि इन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया सुन लिया है जो इनकी इमेजिनेशन से बाहर है आदमी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है लेकिन वो तो निकले डंडा निकाला बेड के नीचे से और बोले कौन है मैं देख के आता हूँ बाहर वो बाहर गए पूरे घर का चक्कर लगा के आ गए कोई है ही नहीं चलो कौन है कौन है कौन आवाज़ लगा रहा है क्या मचा रखा है सब करके आ गए वापस आ गए वापस आ गए तो लड़की बोलती कि पापा आपको भी पता है कि आवाज़ घर के अंदर से आई है बाहर से नहीं आई है तो बोलते नहीं नहीं मैं ऐसा बातें नहीं मानता हूँ तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो तो उन्हें बोला ठीक है आप एक बार और आवाज़ लगाओ तो उन्हें फिर से आवाज़ लगाई सोम फिर से आवाज़ आई हाँ अब भाई साहब विश्वास हो गया उनको अब बोले कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते कल सुबह मैं उन पंडित जी को लेकर आऊँगा पर उनको खुद को वो मानते ही थे इन सब चीज़ों में तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है फिर उसके बाद अच्छा एक दिमाग उनका ये ख़राब हो रहा कि इस वो गाँव वाले सही हैं और मेरा तो पैसा डूब गया आदमी दिमाग सबसे पहले जाता है कि मैंने तो सारी जिंदगी का पैसा जोड़ा ये घर लिया और ये तो उसमें दिक्कत है तो उनको पंडित जी भी भरोसा था पंडित जी को बुलाया गया पंडित जी आए उन्होंने पहले फ़ोन पर सब कुछ बताया था सारी पूजन सामग्री ला रख दी थी अच्छा इस बार हवन पहले जो हवन था वो गेट के पास में रखा गया था इस बार थोड़ा और अंदर रखा गया तो अंदर रखा गया तो इस बार था कि भाई धुआं अब तो पूरे घर में जाएगा तो उन्होंने पूजा वूजा की और इस बार भी धुआं कहीं नहीं जाए सीधा गेट के बाहर उसकी एक ही डायरेक्शन वो पंडित जी भी घबरा गए मैंने बोला कि जजमान कुछ तो है इस घर के अंदर तो बोलते पंडित जी आपका दिमाग ख़राब है क्या क्या है आप भी इन गाँव वालों की तरह रहे बोल रहे हो बोल रहे हो मैं गाँव वालों की तरह नहीं बोल रहा हूँ इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है आप खुद देखो आपके सामने सब कुछ हो रहा है मतलब पूजा खत्म होने वाले तो उन्हें समझा उनको कि इस घर में प्रॉब्लम है आप देखो धुआं एक ही तरफ क्यों जा रहा है धुआं तो हर जगह फैलना चाहिए तो उनको भी लगा बोले तो आप इसको ठीक करो ना तो बोले ये मेरे बस की बात नहीं है एक आदमी है मतलब एक मैं जानता हूँ वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो तांत्रिक भी है वो आपकी मदद कर सकता तो बोलते नहीं नहीं मैं ये तांत्रिक मांिक बिलीव नहीं करता आप अपने गुरु को बोलो जिन्होंने आपको सिखाया वो बड़े गुरु जानते थे इनको तो वो आएंगे वो ठीक करके जाएंगे तो बोलते गुरु जी तो भी बाहर गए हुए हैं ठीक है और मैं आपसे कह रहा हूँ ना मेरी बात मानो वो आदमी बिल्कुल सही है वो आपकी मदद कर देगा बोलता नहीं मैं तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पढ़ूँगा आप इसको ठीक करो तो छोटी सी बच्ची आगे बोलती है कि पंडित जी आप भी तो भगवान को मानते हो भगवान से बड़ा कौन है इस दुनिया में आप ही ठीक कर दो तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा जब तुम्हारे दांत में दर्द होता है तुम हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाते हो क्या तो बोले कि मैं मैं घर का हवन पूजन करवाता हूँ मैं इन चीज़ों से डील नहीं करता मैं नहीं कर सकता ये मेरे बस के बाहर की चीज़ है मैं सही आदमी को बोल रहा हूँ सर आप मान जाओ तो बहुत समझाने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है आप ऐसा मत सोचो आप एक बार उससे मिल लो आपको लग रहा है नाम नाम तांत्रिक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है उसने पूरी रिसर्च की हुई है और साथ में उसने वेद शास्त्र भी सीखे हुए हैं तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हो मिलने के लिए अब वो आदमी आके मिला तो उस आदमी से उनकी बातचीत हुई तो उस आदमी ने बताया कि उन्होंने बताया कि हमारा ऐसे ऐसे घर है तो उसके घर तो उसकी वो आँखें ही हो गई अच्छा आप उस घर में रह रहे हो बोलते हाँ बोले इस घर के बारे में तो मैं मतलब कब से मैं इसी के ऊपर वो कर रहा हूँ रिसर्च बोले इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था और वो जो तांत्रिक था ना उसने इस घर में एक आदमी की बलि दे दी थी तो लोगों ने देख लिया और लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया था इस घर के अंदर और तब से ये घर शापित है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और भी छुपा हुआ है इसकी मैं इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं तो आप आए हैं तो आप चिंता ना करें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपकी मदद नहीं चाहिए ठीक है तुम तांत्रिक लोग तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी भर की कमाई खराब हो रही है एक वो तांत्रिक और एक तू तांत्रिक गुस्से में था तो तुम लोग करते क्यों ये सब है? तुम तुमत्मा को पकड़ते हो किसी उसके ऊपर छोड़ते हो उसके ऊपर छोड़ते हो पूरी भड़ास निकालते हो उनके ऊपर अब वह आदमी सुनता रहा पहले तो फिर उसको भी गुस्सा आया प्रोफेशन के ऊपर कोई उंगली उठा देते तो फिर बात अलग हो जाती है तो उन्होंने बोला कि मैं समझ सकता हूँ आप गुस्से में हो लेकिन तांत्रिक का मतलब यही नहीं है जो आपका नुकसान करता हो ठीक है हम भी तांत्रिक है और हम लोगों का भला करते हैं आपसे पहले भी लोगों का भला किया और आप मुझ पर विश्वास करो कि मैं आपको आपको सब कुछ ठीक करवा दूंगा बस मैं आपके बेटे को वहाँ लेकर जाऊँगा बोले बेटा बेटा नहीं जाएगा बेटे को कैसे भेज दूँगा तुम्हारे साथ तो बोलता ठीक है आप बोले मेरे बेटे को बाहर रखो इससे मैंने तो बोलता ठीक है सर आप सोच लो आपको क्या करना है पर जाने से पहले आपको ये बात समझा देता हूँ कि हाँ मैं समझता हूँ कई तांत्रिक होते हैं जैसा काम करते हैं कि लेकिन बहुत अच्छे लोग भी होते हैं ठीक है और वो आपको समय के साथ पता लग जाएगा अंधेरे को अंधेरा नहीं काट सकता अंधेरे को काटने के लिए उजाले की ज़रूरत है तो हमारे पास वो तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं वहाँ कुछ है या नहीं अगर कुछ है तो मैं आपको उससे मुक्ति दिला सकता हूँ और मैं एक और चीज़ आपको बोलता हूँ कि मुझे खुद उस जगह के बारे की असलियत पता करनी है तो मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा आप मुझे कोई पैसा मत दो ये मेरा अपना इंटरेस्ट का टॉपिक है और आपको भी फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व ना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आके वहाँ देखो ताकि आपको ये पता लगे कि तांत्रिक एक ही काम नहीं करते कुछ और भी करते हैं वो अच्छे काम भी करते हैं तो जो भी होना चाहता है आपकी आंखों के सामने मैं ये चाहता हूँ तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ना मैं इन्वॉल्व हूँ ना मेरी फैमिली का कोई मेम्बर इन्वॉल्व होगा ठीक है जी बात हो गई तो इधर इनके जो नाना जी थे वो थोड़े समझदार आदमी थे वो भी वहीं बैठे हुए थे तो वो गए उस आत् के पास बोले कि आप एक काम करो अपना काम करो चाहो चेक करो क्या है, क्या है क्या नहीं है फिर आगे बात करेंगे तो ये गए तीन चार दिन बाद ये वापस आए वापस आके बोलते हैं कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पता की अच्छा मैंने बता दी घर के सामने इस घर के अंदर एक मंदिर था तो जो मंदिर था ना काली माता का मंदिर था तो उस मंदिर में खासियत क्या थी कि सामने की तरफ काली माता का मंदिर था दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी तो अगर पीछे घूम के आप जाओ ना तो उन्होंने क्या कहता काली माता की जो मूर्ति थी उसके पीछे की दीवार को चुनवा रखा था और उधर गए तो उधर से भी दीवार चुनी हुई थी सो तो इट वॉज लाइक कि उन दोनों चुनी हुई दीवारों के बीच में कुछ और भी था अच्छा। तो वो आए तांत्रिक जी वो करके अपना कुछ भी बात और उन्होंने बोला कि देखो ऐसी बात है कि घर में कुछ है तीन चार दिनों ने अपनी रैकी की बढ़िया से कि घर में कुछ है और अभी मैं इन प्रोसेस को एनालाइज़ कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता दूंगा अच्छा इधर साइड में तब तक जो उनके नाना जी थे वो बहुत एक्टिव हो गए थे उन्होंने पूरे पुराने लोगों से सबसे बातचीत करके पूरे घर की हिस्ट्री निकाली तो अब जब तीनों अगली बार ये वापस बैठे सारे तो पहले उन्होंने नाना जी ने बताया कि ये जो घर था इसमें सोमनाथ करके एक तांत्रिक रहता था सोमनाथ सोमेश्वर ऐसे कुछ नाम रहा होगा उसका तो ए, नहीं सॉरी सोमनाथ नहीं तांत्रिक नहीं एक तांत्रिक रहा करता था तो नाम उसका हो सकता है सोमनाथ कुछ भी हो बट एक तांत्रिक रहता था और वो यहाँ पे लोगों के पूजा पाठ के काम करवाया करता था तो एक दिन की बात है एक आदमी था विनय उसका नाम था तो वो विनय जो है उनके पास आया हो किसी काम से तो उसी घर के अंदर खुला घर था तो एक आदमी जा रहा था उसने देखा कि उस तांत्रिक ने उस विनय की बलि दे दी है उसने उसके दिल में खंजर घोप दिया है और उसके पूरा माथे के ऊपर वो सिंदूर वगैरह था हाथ में या नीचे नींबू पड़ा हुआ था और उसको देखते हुए आदमी चिल्लाया कि उसने बली दे दी दीदी दे, दे दी सारे गाँव वाले आ गए और गाँव वाले ने तांत्रिक को वहीं के वहीं मार दिया मार के गुस्से में थे सब विनय को तो उठा के ले गए उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया फिर विनय को ले गए उसके घर पहुंचाया सब क्रियाक्रम वम कर करवा करो के वापस आए जब तो तांत्रिक की बॉडी वहाँ थी नहीं गायब और उसकी बॉडी कभी मिली नहीं किसी को पता नहीं कहाँ गई उसकी बॉडी तो ये हिस्ट्री उनको पता चली और तब से गाँव वाले बोलते हैं कि घर शापित है ठीक है इधर से ये जो थे तांत्रिक इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये सही बात है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी सच्चाई छुपी हुई है तो अब मैं कल अनुष्ठान करने वाला हूँ कल मैं अपना पूरा प्रोसेस करूँगा मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आए वैसे ये सब कुछ रात के टाइम होता है बारह बजे के बाद क्योंकि उस टाइम पर ये शक्तियाँ बहुत बहुत होती हैं उनसे कम्युनिकेट करना उनके लिए आसान रहता है लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप देख पाएँ ये देख पाएँ कि मैं गलत नहीं हूँ और हम जैसे लोग गलत नहीं होते हम आपकी हेल्प भी करते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आए तो पहले तो उन्होंने मना किया लेकिन फिर सम्भव मान गए कि चलो ठीक है अब ये जब बोले तो जो लड़की थी वो बोले कि मैं भी चलूँगी साथ में तो उसको बहुत समझाया नहीं बोले नहीं मैं चलूंगी मैं भी देखूंगी तो उनके फादर थोड़े ऐसे थे स्ट्रॉँग के यार बच्चों को भी दिखना चाहिए ना ताकि कि डरना लगे आगे कभी तो छोटे बच्चे को तो घर छोड़ दिया तो इनके नाना फादर और वो लड़की तीनों वहाँ गए घर तो इनको घर के बाहर गेट के बाहर खड़ा कर दिया अच्छा उनके साथ जो के साथ दो उनके बंदे और आए थे एक का नाम था दीपक आपकी मुस्कुराहट से समझे कि हम में से किसी का नाम आने वाला है दूसरे का नाम था राघव तो उनके असिस्टेंट थे बेसिकली उनके शिष्य थे वो भी तो ठीक है तो अब सारा सामान लेकर आए तो बहुत सारा सामान बीच घर के बिल्कुल बीच में हवन लगाया गया और मंदिर से थोड़ा इस तरफ और वहाँ पर इतना था कि विजिबल थे जो बाहर खड़े थे वो देख सकते हैं उनके सहूलियत के हिसाब से ये जो मेन तांत्रिक थे उन्होंने ऐसे गोला बनाया किसी चीज़ से और उस गोले के अंदर बैठ गए तो इसको सुरक्षा घेरा बोलते हैं जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो उससे बाहर नहीं निकल सकते बाहर अगर निकल गए तो एंटिटी गेम कर सकती है एक गोला सामने बनाया एक गोला इधर बनाया ऐसे तीन गोले बना लिए अब उन्होंने अपने मंत्र उन्त्र बोलना शुरू किया और फिर जो दीपक था उसको बोला कि बैठो वो आके बैठ गया बैठ के थोड़ी देर उसको उसने अपने माथे पे सिंदूर दूर लगाया वो प्रोसेस होता है पूरा फिर वो मंत्र बोलना शुरू किया उन्होंने थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के अंदर शिवरिंग शुरू हो गई तो शिवरिंग शुरू हुई वो समझ गए कुछ आया है तो उन्होंने पूछा कौन है तू तो बोलता है सोम अच्छा क्या कर रहा है यहाँ पर तो बोलता है कि उसने मुझे कैद कर रखा है तो बोलता उसने किसने तो डर लगे बोलते कि नहीं नहीं मैं नाम नहीं बताऊँगा इतना बोल के वो गायब बॉडी निकल के बेहोश हो गया और बेहोश हो गया तो उसको वापस से उठ कर उन्होंने होश में लाए होश में लाए तो फिर उसको बोला कि तू तो जा वो गया उधर वो राघो खड़ा से है क्या हुआ बोले कुछ नहीं भाई पता ही है को तो उनको तो आपसे पता ही था ठीक है तो गुरुजी ने उसकी तरफ़ देखा राघव तरह तैयार हो बोले हाँ आ जाओ वो आया वही गोले पे बैठा फिर उसके ऊपर वही मंत्र चालू थोड़ी देर बाद वो भी शेयर उगोर करके वापस से पूछा कौन है तू बोलता सोम ठीक है अब उसको थोड़ा स्टेबलाइज किया उन्होंने कि वापस नहीं जाए उन्होंने पूछा कि क्या है मतलब तेरे अलावा यहाँ कोई और भी है क्या तो उसने बोला हाँ बोले कहाँ पर है सामने देखो ऐसे घबरा लग गया बुरी तेरे से वो बोलते घबरा मत मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे बता वो तांत्रिक की आत्मा यहीं पर है क्या तो बोलता है हाँ और तो इतना बोल के गायब तो वो भी बेहोश हो गया फिर अच्छा ये सब वो सामने से वो लोग देख ही रहे थे फिर उसने थोड़ा देर बैठे रहे वो लोग आपस में उन्होंने अपने को दिमाग माग लगाया फिर उन्होंने दोनों को एक साथ बुलाया कि दोनों आ जाओ अब यहाँ पर तो इधर दीपक और इधर राघव दोनों को बिठाया और फिर उन्होंने वापस से अपने मंत्र बोलना शुरू किए और जैसे थोड़ी देर उन्होंने बोले तो इधर तो जो था राघव वो तो ऐसा शिविर हुआ थोड़ी देर में उसके अंदर वो आ गया सोमनाथ अच्छा ये सब करने से पहले जी आने से पहले उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सामने आओ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा एक बार आप बस प्रकट हो जाए मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो इस तरह से करीब एक डेढ़ घंटा चल मतलब चलता रहा ये सारा प्रोसेस वो बहुत देर तक तो सोम आए बार बार वो ही चला जाए वो आए वो उसका नहीं उनको उसको चाहिए था वो तांत्रिक आए शाम इन्होंने शुरू किया था तीन बजे के आसपास शाम के करीबन छः के आसपास बज चुके थे अंधेरा होने वाला था छः बजे के आसपास जाकर एकदम से उसकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ मूवमेंट हुए बोलो बहुत फियर्स मूवमेंट हुए और वो बहुत तेज हिलने लग गए इधर से जैसे उनको लगा और उनके यहाँ से इनके मंत्र उच्चारण बहुत तेज़ हो गए और इनके जैसे मंत्र उच्चारण तेज हुए वहाँ से उसकी बॉडी बहुत तेज शीर हुई फिर उसने आँख बंद की और ऐसे जो हवन सामग्री थी ना यूँ उठा उठा के सारा अलग अलग तरीके से वो डालने लग गए जैसे एक तांत्रिक डालते और डालने के बाद वैसे दोनों पैर ऐसे फोल्ड करके और बैठ गए बोले बोल क्या जानना चाहता है तो जानते हुए आती आवाज़ आती ससल तो उठ गया सीधा साक्षर दंडवत प्रणाम किया बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए मैं धन्य हो गया ये तो मुझे पता है कि यहाँ जो भी कहानी चल रही है वो सत्य नहीं है अब आप ही मुझे बताओ कि सत्य क्या है तो उन्होंने उधर उसकी तरफ देखा राजो की तरफ बोल क्या हुआ था उस दिन तो इधर से उसने बोलना शुरू किया कि मेरा नाम सोमनाथ है मैं तो उस गांव में अनुराधा नाम की एक लड़की थी मैं उससे प्यार करता था तो वो भी मुझसे प्यार करती थी और ऐसे चलता रहा हमारा रिलेशन फिर थोड़े दिनों के बाद वो मुझसे कटना शुरू हो गई मतलब मुझसे वो दूर जाने लग गई तो मुझे पता लगा कि उसके घर घरवालों उसकी शादी कहीं और तय कर दी मैं ये झेल ही नहीं सकता था कि उसकी शादी कहीं और हो जाए तो मैंने नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दी फिर उसके बाद तो ये सबको पता था गाँव में कि उसकी डेथ हुई थी तो वो उसके नाना जी जो थे ना उनको पता थी स्टोरी मतलब पता था कि हाँ ऐसे एक लड़के ने जान दी थी वो लड़का ये है फिर एक दिन अनुराधा जो थी नदी के किनारे से निकल रही थी तब मैंने उसकी बॉडी को पजेस कर लिया मैं उसकी बॉडी के अंदर आ गया और अंदर आके मेरा एक ही काम था विनय को मारना क्योंकि उसी ने मेरे अनुराधा को मुझसे अलग किया था तो इस तरह से वो अनुराधा के अंदर आ गया वो विनय को पता लगा जब उससे इंटरेक्ट किया तो पता आ तो वो है तो विनय उन तांत्रिक को जानता था तो विनय तांत्रिक के पास उनसे बोला कि आप ऐसे ऐसे मेरी होने वाली बीवी और उसके अंदर ये आ गया है तो आप इसको मुक्त करवाओ तो हेल्प करते थे उन्होंने बोला ठीक है तुम ले आना तो लेकर आए उन्होंने ऐसे अनुष्ठान किया था तो उन्हें वही सुरक्षा घेरा बनाया था सेम प्रोसेस जैसे ये कर रहे थे सेम वही प्रोसेस वो हो करते थे तो हुआ क्या कि जब वो सब कर रहे थे तो विनय इधर बैठा हुआ था गोले में इधर अनुराधा बैठी हुई थी इसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर वो सोमनाथ था और इधर तांत्रिक थे तो जब सब कुछ चल रहा था तो उसकी जो वो जो स्पिरिट थी इतनी फियर्स हो गई उसने विनय को बुढ़ डरा दिया मार दूंगी तेरे को तो वहाँ एक चाकू पड़ा था उससे घूरे घेरे के अंदर बैठ गई मार दूंगी तेरे को ये है वो है तो डर के मारे के वो घेरे से बाहर निकल गया और वो जैसे ही घेरे से बाहर निकला उसने आओ देखना चाकू उठा के सीधा उसके दिल में घूप दिया और घोपते ही वो तो नीचे और भाग गई क्योंकि नदो थी ना उसके अंदर तो कोई और था अब तांत्रिक के सामने सब कुछ हो गया वो भाग के उठा और उठ के उसको देखने लगा कि इसमें है न तो मर तो हो चुका था पर फिर तांत्रिक लगा था मैं उसने कुछ, कुछ मदद कर दूंगा अब उस टाइम अनुष्ठान चल रहा था सारे वो लगे हुए थे तांत्रिक के ऊपर और जैसे उन्हें चाकू को हाथ लगाया सामने से लोगों ने देख लिया और उसको लगा कि इसने बलि दे दी बोले उस आदमी का देखना हुआ और देखते उसको यही लगा तो सारा गांव आ गया मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे मार दिया लेकिन मैंने मरने के बाद मैंने सोम की आत्मा को पकड़ लिया। और इस मतलब बेसिकली जब गांव वो आदमी चल रहा था वो भागा ना और लोग आए वापस उस टाइम के उसके बीच में उसने प्रोसेस किया है वो समझ गया था कि मेरा मरना तय है उसने फटाफटे चार पत्थर उठाए उनमें हनुमान जी को स्थापित किया घर के तीन कोनों में लगाए और चौथे कोने में लगाने वाले थे तब गाँव वाले आ गए और वो इसलिए लगाए थे क्योंकि सोम जो सोमनाथ था उसकी जो स्पिरिट थी उसको उन्हें ट्रैप कर लिया था अब वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी और चौथा पत्थर रखने वाले थे तब तक तो सब गेम हो गया वरना उसके बाद तो वो फ्री हो जाता वो लेकिन चौथा पत्थर नहीं रख पाए गाँव वालों ने मार दिया तो इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ कि अगर मैं नहीं रुकाना है यहाँ तो ये भाग जाएगा और अगर ये भाग गया तो अभी अनुराधा को मार देगा क्योंकि ये उसको अपने साथ ले जाना चाहता है प्यार करता था उससे तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ तो उसने बोला कि ठीक है अब अब क्या कर सकते हैं इसका तो बोला बस कुछ नहीं है तो उधर वो नाना जी जो खड़े थे वो सारी कहानी सुन रहे थे तो उन्होंने बोला कि जिस अनुराधा की आप बात कर रहे हो उसकी मृत्यु तीन साल पहले हो चुकी है इतना सुनते हो जो राो तो मुंडी से घूम के उधर पीछे देखता हूँ उनकी तरफ और वापस इधर देखता है तो ये बात सुन के वो जो तांत्रिक थे बोलते कि तो फिर तो अब कुछ बचा ही नहीं है मेरा काम हो चुका है इसका जो था जिसको ये माना था तो पहले जा चुकी है तो इसके पास अब जीवन में कुछ लक्ष्य बचता इसकी जो भी है उसमें बचता नहीं है और अब मेरी भी मुक्ति है तो बालक तूने ये सारा काम किया मेरी सच्चाई सामने लाई तो तुझे आशीर्वाद है तू हमेशा बढ़िया रहे आयुष्मान भव और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये आत्मा तेरे हवाले तेरे को उसका जो करना है कर देना इतना बोल के गायब अच्छा इस बार गए तो बेहोश भी, भी नहीं हुआ अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है जब वो आए थे ना उसकी बॉडी में तो उसकी बॉडी में बहुत भयंकर मूवमेंट्स हो रहे थे बुरी तो तरह दर्द के मारे चिल्ला रहा था तो जब वो सामग्री डाली थी ना तो वो बोल रहे थे उससे कि कुछ मांग रहे थे कुछ चीज़ दे मेरे को तो मना कर रहे थे कि नहीं दूंगा बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ मतलब जिसकी बॉडी में आ रहे थे तो उसको लग रहा था कि मार देंगे इसको तो बोले नहीं दूंगा बोले चाकू मांग रहे हैं हाँ बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ तो फिर जैसे दिया उन्होंने कुछ किया चाकू से हल्का सा कुछ बनाया और फिर वो शांत हुए वहाँ से मतलब उसकी जो बॉडी में आए तो बहुत फियर्स बहुत ज़्यादा वो था ना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था उसका तो फिर वो निकल गए फिर अब उसकी तरफ देख रहे तो उन्होंने बोला कि इसका भी क्या करना है वो जाते थे भी बोल गए कि अब इसका तो कुछ है नहीं तुम करोगे कैसे कोई मुक्ति दिलाई को तो फिर उसके बाद वो जो सोमनाथ की थी उसका कुछ पिंडदान वंडदान किया गया उसकी स्पिरिट को भी फ्री करवाया गया फिर उसके बाद उस घर में कभी कुछ नहीं हुआ ये लोग कुछ टाइम तक वहाँ पर रहे मतलब अच्छे खासे टाइम तक ड्यूरेशन तक रहे फिर उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर गए और आज भी लोग उस घर में रहते हैं जैसे इन्होंने मेरे को बताया तो इस तरह से मतलब उन्होंने ये आपको ये उन्होंने बताई है हाँ 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 ये अब वो बड़े हो चुके हैं जब ये जो बच्चा था ना ये तीन साल का था जो उसको बाद में जाके उसकी दीदी ने जब उनकी शादी हो गई सब कुछ तब उन्होंने अच्छा। <laughs> <laughs> <सच वे? laughs> आज रिलेट हो गए तो <laughs> <laughs> अभी थर्ड करेक्टर पियूष वो नेक्स्ट स्टोरी में क्या शिवम या शुभम दोनों से एक नाम रखा है उन्होंने सोम हटाई जाए उनके लिए वो एक वो रह गई थी ना ये में सर मेरे को एक बात इस स्टोरी में रह गई कि जो अनुराधा थी उसने उसके अंदर सोम था उसने चाकू मारा तो वो भाग गई तो स्पिरिट उसके अंदर नहीं थी तब जब वो भाग गई थी वो तो पकड़ लेते हैं ना वो तो रिकॉल करना होता है इतने तो अच्छा जहाँ भी थी वो वहां से खींच ली थी अच्छा यार अब उसको दिख गया ना मैं जाने वाला हूँ और किसकी वजह जाने वाला हूँ तो उसको क्या छोड़ दूंगा मैं और उसको छोड़ दिया तो अभी तो अनुराधा को, भी मार देगी। उसका पर्पस को भी बचाना अनुराधा को पहले मार देता टारगेट तो तो क्या था जिसकी वैसे वो खुद मरा। फिर उसका दूसरा क्या था कि इसके साथ तो जिंदगी भर रहना था रह नहीं पाया तो इसको लेके जाता हूँ साथ में तो ये दो टारगेट थे वो तो भाग्य तो कोई दिक्कत नहीं तो खींचा ये तो तगड़ी मूवी की कहानी है उनकी डेड बॉडी गायब कैसे हुई थी जब वो वापस आए थे अच्छा हाँ उन्होंने बताया था मुक्ति कैसे मिलेगी मैं ये अभी आपने पूछा ना मुझे याद आया तो उन्होंने कहा था कि तुम ना वहाँ पे एक कोना है उस कोने में ना खड्डा खोदना उसमें पीपल का पेड़ का तना रखा उस तने के नीचे मेरे शरीर के शायद कुछ हिस्से होंगे बचे हुए अब वो कैसे वो हिस्से पहुँचे मुझे भी नहीं पता ये बैक बैक स्टोरी मुझे भी नहीं पता वहां से कुछ मिले उसको निकालना उसका अंतिम संस्कार कर देना तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी दे। तो ऐसा किया गया वाकई में मिले और उनका अंतिम संस्कार और जो आप बता रहे थे एक दीवार थी जो हाँ, वो थी। काल वो बिल्कुल। वो बिल्कुल जो मंदिर था काली माता का उसके जस्ट पीछे काल भैरव का मंदिर था तो वो जो तांत्रिक थे ना ओरिजिनल वाले वो वहां पर पूजा किया करते थे अच्छा तो जब वो उनको मार दिया गया तो उनको लगा कि यार इस मंदिर में वापस कुछ ऐसा हो तो उसको चुनवा दिया गया और उधर काली माता का मंदिर रहने दिया तो वो वनीका बनाया हुआ मंदिर था उस टाइम पर वो काली माता की और उनकी पूजा किया करते थे इस पे तो वेब सीरीज बननी चाहिए <laughs> <laughs> एक मूवी तो है ये बहुत तगड़ी सही में भाई मतलब बांध के रखे आदमी को कि भाई ये कितना बढ़िया सीन है मैं तो पूरा इमेजिन कर रहा था ना कि भाई ये हो रहा है इमेज बनती रहती है माइंड में अब ये अब ये इसका यही मजा होता है हॉरर स्टोरी का <laughs> आपने अपने साथ बीती कुछ रियल स्टोरी बताई थी तो फिर उसके बाद अब लेटली कुछ हुआ आपके साथ भी लोग ये बोलेंगे कि सारे भूत कोटा में और राजस्थान में रहते हैं क्या उसका तो कोई क्या कर सकता है पर राजस्थान में एक्चुअली रहते हैं ना सब जगह रहते हैं भाई अगर देखो मैं फिर वही अपना क्या अपना पॉइंट वहां चला जाता है कि है या नहीं है बोलने वाली बात है तो मुझे तो वैसे बहुत गालियां पड़ती हैं So, होते सब जगह हैं किसी का सबका एक्सपीरियंस है किसी को कहाँ होता है पर अभी बहुत रिसेंट मतलब दस पंद्रह दिन ही हुए होंगे अभी नाम वाम तो नहीं रिवील कर सकता बट एक फैमिली थी मेरे मतलब बहुत क्लोज़ फ्रेंड है और वो आपके सब्सक्राइबर्स भी हैं मतलब तो वही मिले थे मुझे उन्होंने मुझे बताया क्योंकि उनको शंकर भैया का नंबर चाहिए था अच्छा सो <laughs> so, शंकर भैया कई लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं जिन लोगों को बैक स्टोरी नहीं पता सर ने हमें पिछली बार एक बात बताई थी जो इनके साथ खुद हुई थी और उस केस में शंकर भैया ने उनकी हेल्प करी थी तो पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने सर को रीच आउट करा शंकर भैया के नंबर के लिए तो सर बताओ क्या बात थी तो अभिड़ा महल जो है ना वो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो वो पार्क बना हुआ पिकनिक स्पॉट है वो मतलब मैं खुद भी गया हुआ हूँ बहुत बार इवन रात को करीबन तीन चार बजे के आसपास भी मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर तो हम लोग जब शुरू शुरू में प्रोफेशन में थे हम लोग दोस्त लोग सब रात को घुमा करते थे तो ऐसा नहीं है मैं उस मुझे आज भी वो सीन याद है रात को महल के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ इधर जुगनू उड़ते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे आप कभी जाओगे ना रात के टाइम मज़ा आता है उस समय खड़ा होने छोटा सा नाला बह रहा है उसमें जुगनू जुगनू घूम रहे थे और मैं पीछे घूम के महल में देख रहा था कि कुछ दिखे कुछ दिखे कुछ नहीं दिखा कभी तो मुझे नहीं लगता था बट वो मिले मेरे को फ्रेंड तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार भैया एक दिक्कत हो गई है हमारे यहाँ लड़का काम करता है और बोला आप मेरे को ना वो नंबर दो मतलब क्या हो गया बताओ मेरे को बता सकते हो बोले मैं बता रहा हूँ आपको तो अच्छा ये जब इन्होंने मेरे को बताया कि इनके यहाँ लड़का काम करता है तो ये इनकी फैमिली पूरी वहाँ बेड़ा मैल घूमने गई थी दिन के टाइम पर और भैया जब ये वापस आए ना तो उनकी लड़की अजीब सा बिहेव कर रही थी तो बोला अजीब सा कैसा वो लोग बने अच्छे से ऐसे गर्दने घुमा रही है बाल ऐसे बार बार हिला रही है और जैसे नॉर्मल आदमी चलता चल रही है ऐसे ऐसे चलती है मूवी में जैसे दिखाते हैं कि हाँ हाँ प्रॉपर प्रॉपर फॉर्म के अंदर तो मैंने बोला यार भैया क्या बात कर रहे बोला हाई यार छः सौ साल की बच्ची है मतलब भैया आप अभी के भी नंबर लो अभी बात करो मेरे सामने भैया से तो फिर उनकी बात हुई उनसे तो मैंने भी बात फ़ोन किया उनको शंकर भैया को अलग से कि यार आप देखो बच्ची का सवाल है जल्दी जल्दी ठीक होनी चाहिए तो उन्होंने बात की प्रॉम्प्ट हुआ पर कुछ शायद इशूज़ रह गए कुछ फाइनेंशियल इशूज़ वगैरह इस वजह से वो उनसे नहीं हुआ बट उन भैया ने मेरे को फोटो दिखाई मैं उनसे पूछूंगा अगर वो वापस एक बार फोटो भेज दें तो तो मतलब यू वोंट बिलीव उन्होंने बताया कि वो छोटी सी बच्ची छः सात साल के बच्चे में कितने ही दम होता है तो उसको सब कंट्रोल करते थे तो उसके जो चाचा पास में था तो उन्होंने यूँ धक्का मारा यूँ धक्का मारते वो तो सीधा दीवार पर जल गया फोर्स इतना था और उसने ऐसा हाथ पकड़ लिया अपने फादर का तो जो उंगलियाँ थी यूँ क्यों छपके बाहर आ गई उसके हंटर से मारते ना हंटर मार चमड़ी फूल जाती है ऐसे बिल्कुल हाथ यूं मतलब मैं देख के एक बार तो मेरी भी आत्मा कांप के क्यों जाती बहुत खतरनाक है तो फिर मैंने किया अभी चल रहा है तो देखते हैं आई विश कि सबको ठीक हो जाएगा जल्दी तो अभी वो कहीं कहीं पता कर रहे हैं तो मैं भी लगातार टच में रहता हूँ मिलते रहते हैं भैया उनसे पूछते रहता हूँ कि यार बताना अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा तो फिर फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे शंकर भाई को बोलेंगे करो आप देखते हैं जो भी होगा अभी देखते हैं अगर वो उनके सोर्सेज से ठीक हो जाए तो अच्छा है नहीं तो फिर हम लोग अपनी तरफ से तो मतलब अभी भी वो जब तक की नॉलेज मुझे थी अब आठ दस दिन हो गए उनसे मेरे को मिले हुए सात आठ दिन से मिला नहीं उनसे तो मैं जाके मिलूंगा तो मैं अब मेरे को अपडेट तभी मिलेगा तो कि हो गया हो सब कुछ बढ़िया बट अगर नहीं होगा तो फिर हम करवाएंगे तो चाहे कुछ भी उसका तो ये बहुत अजीब अजीब से केसेस होते हैं अब वही है उनको पता है कि मैं मैं इन सब में हूँ तो मेरे पे आके उन्होंने बहुत बताया मेरे को भी कहाँ पता चलता है सो so, ये रहता ही है बट हाँ लोग अभी भी मतलब आप देखोगे बहुत एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इसीलिए वो एक्सपीरियंसेस ही हैं जिनसे अब हम लोग को भी थोड़ा ध्यान वान रखना चाहिए तो मैंने आपको जो बताया था वो मेरे एक और सर है देवेंद सर तो उनसे मैंने बात उन्होंने कहा था कि आप कभी भी जंगल वगैरह मतलब हाईवे पर जा रहे हो तो मतलब कई बार अपन तो हिंदुस्तानी टॉयलेट टॉयलेट करते खुले में तो कभी जंगल वगैरह में हो किसी पेड़ी से टॉयलेट कर रहे हो तो या तो मत करो अवॉइड करो अगर कर रहे हो तो उन्होंने बोला है कि ऐसे बोल दिया करो कि भाई मुझे नहीं पता है कुछ है या नहीं है तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है अगर कुछ हो कुछ तो मुझे माफ़ कर दो तो जो भी कोई आए यहाँ से हट जाए अब कौन बोलता है लेकिन अब ठीक है बोल दो क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको बोलने में तो मैं तो जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं आपको याद है लास्ट अपन ने स्टोरी कवर की थी पिछले वाले पॉडकास्ट के अंदर तो उसमें वो ही केस ठीक है सुजू से पहले रिक्वेस्ट मांग लो कि सॉरी और वही रहता है ना अब वही बोलते मैंने बोला कि सर ऐसे कैसे बोलते यार देखो सिंपल सी बात है वो उनका घर है भाई कोई आपके घर के आगे टॉयलेट कर देगा आके तो आप क्या करोगे तो अब उन वो वहाँ रहते हैं अकेले में उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से पर सर हो सकता है कोई इतना ओझों की रिक्वेस्ट भी कर ली कि करने दो माफ़ी 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 मांग ली फिर भी पीछे पड़ रहा है अब देखो आपने एक बार बोल तो दिया ना मैं देख नहीं सकता भाई तुम वो कौन हो तुम तो? मैं भी बताऊँ मेरे को अभी आपको बोलते बोलते मुझे एक एक्सपीरियंस अभी भी जस्ट मेरे पास कल ही आया है जयपुर का इंसिडेंट है बहुत शॉर्ट बताया था आपको एक बंदा था तो वो अपने दोस्तों के साथ आगरा घूमने गया था आगरा रोड पे रहता है कानूता करके एक जगह है हमारे यहाँ पे वहाँ पे उस गांव के अंदर रहता है वो तो आते थे रात को लेट हो गया बारह बजे के आसपास तो वो आया तो उसको लगा यार लेट तो पहले हो गया हूँ एक शॉर्टकट रास्ता है वो ले लेता बोले शॉर्टकट बहुत भारी होते हैं तो एक छोटे रास्ते से निकल लिया रास्ता थोड़ा सुनसान था और मतलब थोड़ा सा ऐसे मेन रोड से नहीं निकलता था तो रात को चल रहा अकेला चल रहा सड़क के एकदम से उसकी गाड़ी में लगा ने जो ठोक दिया धड़ाक से गाड़ी में भिड़ा और गाड़ी साइड में आ गई ऑल्टो ऐसी कोई छोटी गाड़ी थी उसको दिमाग खराब हो गई उतर के देखा तो कोई गाड़ी नहीं ठोका किसने और इधर गाड़ी पे डेंट पड़ गया है तो गाड़ी बंद जैसे एक्सीडेंट हो गया उसने साइड से आगे ठोका उतर के देखे ना इधर गाड़ी ना इधर गाड़ी किसी ने ठोका तो गाड़ी तो होगी कम से कम उसका दिमाग खराब तो उसने अपने पापा को फोन किया बोले तो पापा मेरा है ना ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया जैसे किसी ने ठोका पर गाड़ी नहीं है यहाँ पे तो बोलते कि पागल हो गया क्या तो बोलता पागल हो गया मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ देखो नेटवर्क आ रहे थे तो मना लो पता क्या बोलता है कि जंगल में नेटवर्क कहाँ से आएगा जंगल नहीं था अच्छा सिटी के बाहर का एरिया छोटा सा तो वीडियो कॉल किया तो उन्होंने वीडियो कॉल करते हुए दिखाया देखो पापा ये डेंट आ गया तो डेंट आया तो उन्होंने वीडियो कॉल में देख के बोला तेरे साथ कौन है तो बोलते मेरे साथ कोई नहीं है साले झूठ बोला लड़की लेके घूम रहा है साथ में तो बोलता लड़की लड़की कहाँ है बोलतेरी तो गाड़ी में लड़की बैठी है मतलब पापा पागल हो गए कोई लड़की नहीं बैठी वीडियो कॉल में उसके पापा को ड्राइवर सीट के पास में एक लड़की बैठी हुई दिख रही है What? इसको कोई लड़की नहीं दिख रही बाप रे तो गया गेट खोल के देखो कोई लड़की नहीं है और लड़की उनको बैठी दिख देख रही वो बड़ी खतरनाक सी उसकी शक्ल उसके बाद समझ गया अगर मैंने इसको ये बोल दिया कि तेरे लड़की तो डर के मारे कुछ हो जाएगा बोले तू कहाँ पर है तो बोले यहाँ यहाँ पे हूँ तो लोकेशन भेज रही फटाफट से मेरे को लोकेशन भेजी और लेके चार पांच लोगों वहाँ पहुँचे गाड़ी को टो करके लेकर आए कुछ नहीं बोला उन्होंने सुबह उठे तो गाड़ी चेक करने के लिए कहाँ का डेंट है गाड़ी बिल्कुल क्लीन है कोई डेंटा ही नहीं है और ये आपके किसी जानने वाले ने भी जानने वाले है? नहीं मतलब लोग शेयर करते हैं मतलब कोई लिख के अगर शेयर कर रहा है तो उसका क्या ही इंटेंट है लोग चाहते हैं कि यार पता तो चले ना एटलीस्ट हमारे साथ ये हुआ है अब आप उसको इल्यूजन कह लो ऑब्वियसली वो तो खेलते थे तो ट्रिक्स तो सारी यहीं से चल रही है ना जो भी फील हो रहा है तो तो, तो आपके साथ हो ना इलूजन तो उसके पिताजी को क्यों दिखाई दी हो उस टाइम

सामने वाले को आपके पापा को दिख रहा है वीडियो कॉल पे आपको कुछ नहीं दिख रहा पर जैसे पापा ने भी कह दिया मैं समझ जाऊ की इसमें तो कुछ है कुछ मतलब सुपरस्टिशन हाँ। कुछ है उसको लगा कि पापा मजे ले रहे मेरे के लड़की को <laughs> अपनी भी छोड़ देगा अगर कुछ हो गया <laughs> <वाल लगर। laughs> कोटाई होगी वो तो नहीं छोड़ पाऊंगा सर कर्ण पिशाचिनी एक टर्म है जो अभी एक हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे वो तंत्र विद्या कर खुद भी करते हैं अच्छा। पर वो पॉजिटिव साइड वाली करते हैं बट उन्होंने एक अघोरी की कहानी सुनाई थी जिसमें एक अघोरी ने तंत्र विद्या से कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया था तो वहाँ से हमें ये टर्म पता है और आप भी कह रहे हो कि ये टर्म बहुत सर्च हो रहा है लोगों को एक्चुअली इस टर्म को ना जो यूथ होता है वो बहुत सर्च करता है हाँ तो जो भी मतलब 16, 17, से अठारह साल के जनरली लड़के जो होते हैं क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो बेसिकली लस्टी साइड से इसलिए अच्छा तो, हाँ तो इस वजह से क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सर्च जो करते हैं उसका कारण होता है इसमें आपको बताता हूँ इसका जितना मुझे पता है इसके बारे में अगेन तो कर्ण पिशाचिनी बेसिकली एक एंटिटी है जिसको अगर आप इन्वोक कर लो आप उसको सिद्ध कर लो अगर तो वो आपके कान में आकर ऐसे आपके सामने कोई भी बैठा है तो आप ही बैठो मेरे सामने तो मुझे आपके पास्ट में क्या क्या हुआ सब पता लग जाएगा सब बता देगी मुझे मैं जो जानना चाहता हूँ मुझे जिस सवाल का आंसर चाहिए ना आपके बारे में वो तो सब बता देगी मुझे प्रेजेंट बता देगी फ्यूचर नहीं बता सकती और क्या सोच रहे हो मतलब अगला बंदा क्या सोच रहे हो सब कुछ सब कुछ मैं आप में मैं आपके सामने बैठा हु ना मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ वो भी आप गा बता देगी सो लेकिन उसके बदले में वो आपके साथ इंटरकोर्स करती है अच्छा एंड दैट इज द पार्ट वाई पीपल आर मोस्टली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये तो जिन का उल्टा हो गया कि जैसे जिन औरतों का फ़ायदा हाँ, उठाता है कर्ण पेशाचनी मर्दों का फायदा बिल्कुल उसके कुछ वो है डिज़ायर्स सेक्स आ, एल्कोहल और मीट ये तीन चीज मतलब ब्लड तो वो अपने उससे वो लेती है अब इसका अगर मैं थोड़ा अपन और डीप में चले जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा सुना है देखा है तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये हिंद जो अपने धर्म होते हैं ना हिंदू धर्म में कोटियाँ होती है कोटियाँ मतलब लेवल तो ये सबसे निम्न कोटि के वो होते हैं मतलब पिशाच होते हैं ये तो अगेन मेरी नॉलेज इतनी नहीं है इसलिए किसी भी चीज़ को अदरवाइज ना लें व्यूवर्स भी और जो भी लोग स्कॉलर्स हैं मुझसे ज़्यादा अच्छे जितना मुझे पता है मैं सिर्फ उतना बोल रहा हूँ मैंने भी कहीं कही ना कहीं से पढ़ा है ना मैंने कभी की ना मैं कभी करने वाला हूँ सो द पॉइंट इज़ कि मैंने पढ़ा कि ये बहुत आ, उस लेवल पर होते हैं अगर आपने उसको सिद्ध कर लिया तो आप भी उसी लेवल पर पहुँच जाते हो अच्छा तो हम हमारे पुराणों के हिसाब से हम ह्यूमन रेस में जब हम ह्यूमन में फॉर्म में इवाल्व कैसे होते हैं कि हमारे से नीचे वाली जो कोटियाँ है होती जैसे हम पहले कीड़े बने मर गए फिर सांप बने अब आप सांप बने हो आपके सामने कोई आया कोई छोटा बच्चा आ कुछ भी आ गया तो नेचर है आपका काटना पर आपसे नहीं काटा तो आपने एक अच्छा काम किया तो आपका कोटी बढ़ जाएगी आपकी ऐसे तो ऐसे कोटियाँ बढ़ बढ़ के हम इंसान की फॉर्म में जन्म लेते हैं लेकिन अगर आपने उसको इन्वो करके सिद्ध कर लिया तो आपकी सारी कोटियाँ गिर के वापस नीचे से पहुँच जाए तो आप लेडर के सबसे नीचे पहुँच जाओगे फिर वहाँ से शुरू करोगे अच्छा ये बिल्कुल ऐसा है अच्छा इसमें आप देखोगे ना जैसे बोलते कि सिर्फ हमारे यहीं पे है क्या तो आपने सुना होगा डील विद द दे डेविल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलता है कि आपने डेविल के साथ डील कर ली है सोल एक्सचेंज सोल एक्सचेंज कर, 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 ली, कर ली, ली है अब जे, आपको जे, जे, फेम नेम मनी सब मिल जाएगा ये एल्यूमिन आर टीएम हाँ हाँ वो वही वही तो वही सेम ये है आप यहाँ पर भी डेविल से डील कर रहे हो उसकी कुछ शर्तें जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं अच्छा कंट्रोल जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपको एक अघोरी की मगरी बाबा की वो सुनाई थी तो वो वो लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं hmm. एक नॉर्मल इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता पहली बात इसको सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कुछ लंबे मेथड होते हैं कुछ छोटे लंबा मेथड होता है कि आप काली माता की पूजा करो पहले उनके सानिध्य में जाओ फिर आपके आपका स्पिरिचुअल लेवल ले इतना ऊपर हो जाएगा कि आप उसको इन्वोक करके उसको कंट्रोल कर सकते हो इट टेक्स लॉन्ग टाइम फिर होता है शॉर्टकट्स तो शॉर्टकट्स में बहुत सारे तरीके होते हैं बहुत सारे कई लोग बताते हैं कि पेपर के ऊपर कुछ मंत्र लिखो उनको एक लाख बार एक लाख हाँ एक लाख या दस लाख बार उनको रिपीट करना होता है और उसके साथ में और प्रोसेस होते हैं कुछ अल्कोहल का मीट का ब्लड का ऐसा सारा प्रोसेस होता है कुछ लोग और भी छोटा शॉर्टकट दिखाते बताते हैं अगेन वही पढ़ाया मैंने तो मेरे पास कोई इसका लेजिट सोर्स तो नहीं है बट स्टिल बोलते हैं कि उसके अंदर क्या होता है आपको वो साधना दस बारह ग्यारह बारह दिन तक तेरह दिन तक करनी होती है त्रयोदशी होता है हाँ तेरह दिन तक तो लास्ट के तीन दिन बहुत क्रुशल होते हैं और तीसरा जो तेरह दिन है वो आई थिंक अमावस्या होना चाहिए ऐसा कुछ होता है तेरहवा दिन ही होना चाहिए फ़र्स्ट जब शुरू करोगे उसमें आपको अपना यूरिन पीना पड़ता है उसके अलावा आप जो भी मतलब पॉडी वॉडी कर रहे हो उसको बॉडी पर लगाना होता है और उसमें से कुछ खाना भी होता है ऐसा ये शॉर्टकट होता है ऐसा बोलते हैं पता नहीं कोई करता ही नहीं करता है पर उन्होंने भी ऐसा कुछ ही बताया था कि अपना बलमूत्र उन्होंने तो प्रोसेस वही बताया था कि पहले उन्होंने कपाली भैरव भे, को सिद्ध करा था फिर एक चंड भैरव को सिद्ध करा था फिर तो उन्होंने मतलब उन्होंने शमशान में तपस्या करके बली वली हाँ, देकर ये बताया वो वो सब मैं वही कह रहा हूँ इसके बहुत सारे तरीके होते हैं अब मैं नहीं जानता हूँ देखो मैं ऑनेस्टली फिर बोल रहा हूँ बट मैंने तो कहीं पढ़ा है तो मैं तो बता रहा हूँ आपको और तो मुझे पता भी नहीं तरीके सो द पॉइंट इज ऐसा होता है अब हम पॉइंट पे आते हैं कि एनी हाउ अगर आपने सिद्ध कर ली तो आएगी आपको सब कुछ बताएगी अच्छा इसको आप तीन फॉर्म में सिद्ध कर सकते हो मदर सिस्टर और वाइफ तो जब आप उसको वाइफ़ की फॉर्म में सिद्ध कर रहे हो तो देन यू हैव टू बी लॉयल आप उसके अलावा किसी दूसरे लड़की के पास भी नहीं जा सकते हो चाहे वो आपकी मम्मी हो चाहे वो आपकी बहन हो चाहे वो आपकी बेटी हो अच्छा सबसे दूर कर देगी मदर की फॉर्म में किया है तो आपकी एक ही माँ हो सकती है तो जो आपकी ओरिजिनल माँ है वो उसको मार देगी सिस्टर की फॉर्म में किया तो अगर आपकी सिस्टर है तो उसको हटा देगी क्योंकि वही अकेली आपने जिस फॉर्म में सिद्ध किया ना तो वो वही है आपको दुनिया में जो चाहिए वो सब देगी वॉट एवर यू वॉन्ट सब मिल जाएगा लेकिन जब आपकी मौत होगी तो अगले एक हजार साल तक वो आपको बंधक आपकी स्पिरिट को बंधक बना के रखती है ऐसा कहते हैं तो ये एक्सचेंज होता है डील ही होती जैसे दील है जैसे हमारा डील डील विद द डेविल बोलते हैं तो सेम उसी तरह की उस डील है और रोजाना उसको शराब मीट और इंटरकोर्स तीन चीजें रोजाना ये आप कई लोग बोलते हैं कि जब उसकी इच्छा हो तब कुछ लोग कहते हैं कि पर अगर माँ या बहन के रूप में आ रही है तो थोड़ी तो भी इंटरकोर्स होता है उसको नहीं फिर वो अलग हो जाता ना फिर हर कोई उस फॉर्म में सिद्ध नहीं करता ना और जो लोग नौर, ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते ना ही करना चाहिए मतलब हम बात आप मैं हमारे पास इतना पावर ही नहीं कि हम कंट्रोल कर पाए चीज़ों को और मैं इंटरकोर्स का इंटरकोर्स का मैं बताता हूँ आपको उसमें क्या बोलते हैं लोग कि उसमें होता है कि जिस दिन वो अपीयर होती है सो इट इज़ अ ल्यूर अगर आपने कर लिया इंटरकोर्स तब तो वो वैसी फॉर्म में आ जाएगी फिर तो आप गए फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट टाइम पे आपने सिद्ध कर लिया उसके चक्कर में आप नहीं फंसे कि नहीं करना बिल्कुल आप कंट्रोल में हो तो फिर आपके वो थोड़ी ज़्यादा पावर रहती है तो इसलिए ये भी साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ पे भी आप पढ़ोगे कि भाई नॉर्मल लोगों को तो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करना चाहिए अब कई लोग ढूंढते हैं कि कैसे करें क्योंकि उनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी मिल ही रही है तो सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए हाँ तो ऐसी एक रियल एक्सपीरियंस है मेरे पास जिसने कोशिश की थी ये सब करने की तो आ, यूपी का है ये इंसिडेंट एक बालक था आम आम बालक आम आदमी मतलब आम आदमी बिल्कुल नॉर्मल आदमी कभी कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं किया हुआ तो वो राजपूत फैमिली से था और थोड़ा क्या है वो मतलब सॉफ्ट टाइप का था अपनी फैमिली उसके फैमिली बाकी सब वही राजपूत वाला है कि वो आ ही जाता है कि सब बढ़िया स्ट्रांग हट्टे कट्टे और बिल्कुल स्ट्रॉग डिटर्मिनेशन वाले बट वो क्या था थोड़ा सॉफ्ट नेचर का था उसके कोई जोर चिल्ला दे तो रोने लग जाए और बिल्कुल आप उसको घर की लड़की बोलते थे सब लोग बाकी तो बिल्कुल सा चुपचाप अपने काम में लगा रहता था किसी से ज़्यादा बात नहीं करना तो सब उसके मज़े लिया करते थे होता ही घर में कैसा बच्चा होता है तो सबसे सब वो चलता रहा दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया कि इसलिए तो लड़का लगता ही नहीं है इससे ज़्यादा तो लड़की हो जाता तो उसको दिल पर लग गई ये बात अब उसके साथ कोई खेलता है उसका एक ही दोस्त था उसका नाम था रॉकी तो वो और ये और रॉकी दोनों साथ में रहा करते थे बचपन से ही साथ में थे तो ऐसे चलता रहा टेंथ क्लास में पहुंचा एलेवेंथ क्लास में इसको एक लड़की मिली उसका नाम था निकिता तो उससे इसकी कैसे बातचीत हो गई फ्रेंडशिप हो गई दोनों का रिलेशन चल गया फिर ये रॉकी और ये दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए अपनी तैयारी करने के लिए कोचिंग वगैरह के लिए और वो लड़की ही और शिफ्ट हो गई तो इनका रिलेशनशिप थोड़ा डगमगा गया फिर थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया तो पहले तो क्या इसको वो लग गया था कि चलो अब घर वाले तो नहीं पर ये है इसने बहुत मतलब ऐसे लगे साल डेढ़ साल का रिलेशन चला था ठीक ठाक तो बड़ा खुश था ये कुछ रहता था बहुत दिन भर बातें किया करते थे मिला करते थे तो उसके लिए सहारा बन गई थी वो तो जैसे ही वो गई ये फिर से टूट गया अब पढ़ाई वढ़ाई इससे हो नहीं रही थी कुछ भी नहीं हो रहा था तो इसने क्या ऐसी ये अपनी वही बोलते हैं ना अकेलेपन को दूर करने के लिए ढूंढ रहा था नेट पे तरीके अलग अलग तो उसको कहीं से कर्ण पिशाचनी के बारे में पता चला और जैसे उसको डिटेल्स पता लगी उसको लगा कि यार दिस इज़ द राइट वन मेरे अकेलेपन का सहारा ये हो सकती है क्योंकि मुझसे दुनिया में और तो कोई प्यार नहीं करता कोई बात नहीं करता वो अपने सेल्फ उसके अंदर चला गया कि मतलब मैं तो बर्बाद हूँ ठीक है आदमी खुद ही परसेप्शन में आता है कि मुझसे कोई ना कोई बात करता मेरा दोस्त है घर वाले भी मुझे प्यार नहीं करते कम्युनिकेशन गैप होता है अगर ये चीज़ अपने घर वालों से बात करके खुल के बोल देता तो शायद जो कुछ होने वाला वो होता ही नहीं ठीक है अब उसको इंटरेस्ट आ गया अब उसको इंटरेस्ट आया तो उसने ढूंढना रिसर्च करना शुरू किया डार्क वेब से इधर से उधर से टूटी फूटी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से उसने निकाली फिर उसने कोशिश की करने की तो उसको जो प्रोसेस पता लगा था उसमें उसको पेजेस के ऊपर कुछ श्लोक थे वो लिखे थे उसने उनको उच्चारण करना होता था और साथ साथ में ऐसे खून के छींटे मारने, तो मारने होते थे तो खुद के ही खून के छींटे मारने होते थे और साथ में थोड़ा थोड़ा एल्कोहल उसका ऐसे कुछ प्रोसेस था तो उसने किया अच्छा रहते ये रूम में अलग अलग रूम में रहते थे इसका अपना रूम था तो ये प्रोसेस इसने स्टार्ट किया इसको कुछ मिला नहीं कुछ हुआ नहीं कोई सिद्ध विद्ध कुछ नया कुछ ना कुछ नहीं है लेकिन इसको वहाँ से पीने की आदत पड़ गई अच्छा इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है तो बढ़िया पॉलिटिशियन पैसे वाले लोग थे कोई दिक्कत नहीं है तो इसने लिखा भी था मुझे कि मेरा एक महीने का विस्की का बिल था एट्टी सेवन थाउजेंड रुपीज़ उसने खुद ही आपको स्टोरी भेजी है ओके वो रहते सत्तासी हजार रुपए एक महीने का ऐसी कौन सी और कितनी बोतलें पी गया कुल पेटी की पेटी ला रहे हैं बॉटल्स तो ही निपटा रहा होगा सोचो ना आप वो पैकड़ बन गया पूरा दबा कर पता नहीं क्या इन वो को उसके अंदर पहले नहीं पीता था पर वो शायद डिप्रेशन अकेलापन उसको उसने सारा समझ लिया होता ही है अब हुआ कब तक झेल लेगा शरीर तो ये भाई साहब हो गए बीमार तो एक दिन जो इसका दोस्त था वो इससे मिलने आया तो उससे मिलना है तो देखा कि वो पलंग पे पड़ा हुआ है उसकी हालत ही नहीं बिल्कुल ऐसे काल आँखों पर डार्क सर के लोग हैं बिल्कुल सूख गया है और उसने उसको उठाया देखा तो बेहोश पड़ा हुआ है तो, तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेकर गया रूम की हलत उसने देख ही ली थी फिर हॉस्पिटल लेकर गया हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर को तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो डेंगू है और इसके लीवर के अंदर फोर्थ कैटेगरी का इन्फ्लेमेशन है बोले तो एडमिट होएगा आईसीयू में रहेगा और उसके पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा तो उसने फटाकर उसके घर वालों को फ़ोन कर दिया अब घर वालों को फ़ोन करते हुए उसका कमरा तो, तो पूरा फैला पड़ा है तो वो गए तो आप उसको फ़ोन करके इसको एडमिट कराया अब इसके फ़ादर वगैरह आ रहे हैं आप इसका ध्यान रखो रूम पे गया अच्छे दोस्त की तरह पूरा रूम साफ़ किया सब कुछ मैनेज किया क्योंकि आएंगे तो उसी के रूम पर जैसे उसने तो अरेंज किया फिर वापस आ गया अंकल आंटी को बताया फिर सब कुछ हुआ तेईस दिन तक वो एडमिट रहा जिसमें से ग्यारह दिन वो आई में था और बाकी के दिन नॉर्मल में फिर करके शिफ्ट हुआ फिर उसको घर पर ले गए छोड़ पढ़ाई वढ़ाई भी तो तबीयत खराब हो गई है तो जब हो गए ले गए इसको तो इधर से ये जो था रॉकी ये भी पहुंचा घर पे उसके जब ये ठीक हो गया तो एक दिन घर पहुंचा से अकेले में बात की बोला भाई क्या हो गया तुझे तो बोलता क्यों क्या हो गया मेरे को बोले तू तो किन चक्करों में फंसा हुआ है तो भाई मैं कौन से चक्करों में फंसा हुआ बोलता है एक तो तू इतनी दारू पीने तेरे कब से शुरू कर दी और तू तो क्यों पी रहा है मुझे पता है तो बोलता तेरे क्या पता है तो बोलता है कि तेरे कमरे के अंदर ना मेरे को पन्ने मिले थे उन पन्नों पे संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे होते थे मुझे आती तो है नहीं और उनके ऊपर खून के छीटे थे और एक पन्ने नहीं बहुत सारे पन्ने थे तो मेरे को पता क्या चल रहा था लाइफ में तो उसने थोड़ा झुंझला गया बोलते कहीं नहीं चल रहा है यार तू फालतू तो दिमाग खरा मत कर मेरा कुछ नहीं चल रहा मैं जा उठ के चल दिया वो बात शुरू होती रॉकी को समझ में तो आ गया था कुछ गड़बड़ है तो वो भी ठीक है अब नहीं बताना चाह रहा नहीं बताना चाह रहा अगला इधर चला गया वो अब ठीक है अब इधर ये अपने घर पर रहा थोड़े दिन तो फिर वापस से कानपुर गया ये फिर इसकी पढ़ाई वढ़ाई चालू हुई वापस से पढ़ के कैसे कर कर आया किसने ट्वेल्थ पास की अपनी रॉके से मिलता रहता जा रहा था पर इस टॉपिक पर कभी बात नहीं दोबारा फिर ट्वेल्थ क्लास करने के बाद अभी वापस अपने घर पर आया और इसने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं करना पढ़ाई वढ़ाई अब एक ही काम करना है कर्ण पिशाचिनी को बुलाना है फिर से वो आई नहीं थी ना पहली बार उसने ट्राई किया तो आई नहीं तो उसको लगा कि पहली बार में तो नहीं आई मतलब मेरा प्रोसेस गलत है तो पहले उसने ये काम किया कि मैं जीव जंजाल से फ्री होता हूँ ताकि कोई मुझे ढोकने टोकने वाला ना हो अब वो आ गया इनके घर के थर्ड फ्लोर के ऊपर पूरे रूम था इसका वो रूम में आया और उसने शुरू की रिसर्च कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा डार्क वेब पे जहाँ उसको मौका मिलता बात करता तांत्रिकों के पास गया ढूंढे अलग अलग लोगों से गुरु से सबको पता कर करा के वो पूरा प्रोसेस सीख सिखा के आया और बोला अब तो मैं करके रहूँगा तो इसने वैसे अब स्टार्ट की अपनी साधना रोज़ कमरे में बैठता रात के टाइम और पूरा जो प्रोसेस होता उसको करता था तो एक दिन दो दिन तीन दिन चाह चलता रहा अच्छा जब इसका जो लास्ट डे होने वाला था उस दिन बाई चांस दिवाली थी तो दीपावली पे क्या होता है कि भाई सभी लोग जाते मिलने तो इनके घर यार हम लोग वहाँ सुबह बोले कि आज हम अपने पेरेंटल हाउस चलेंगे तो उसने बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना मैं तो यहीं रहूँगा मेरे को नहीं जाना मेरे को पसंद नहीं कि मैं वहाँ जाऊँगा सब मुझको वापस से टॉर्चर करते हैं मेंटल टॉर्चर होता है मेरा और मैं नहीं जाऊँगा तो उनको पता था कि मेंटली ऐसे स्टेबल है रहने दो उसको ही तो उनके चल ठीक है क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो उसे कोई हरकतें नहीं थी बोले चल ठीक है तू यहीं रहे और कोई दिक्कत नहीं तो चले गए अच्छा शाम को दिवाली का टाइम था तो रॉकी आया घर पर आया तो घर तो बंद था उसने बहुत बार बैल बजाई बैल खोली नहीं किसी ने गेट नहीं खोला तो उसने अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं ऐसे आया हुआ हूँ और आप लोग कहाँ तो बोले बेटा हम तो यहाँ आ गए बोले अच्छा मुझे पता ही नहीं था मैं तो मिलने आया था तो उससे उसका नाम रवि था तो रवि से मिलने आया था तो बोलते कि बेटा रवि तो घर पे ही है तू मिल ले बोलता अंकल मैं तो पिछले आधे पौन घंटे से घंटे बजा रहा हूँ कोई गेट खोल ही नहीं रहा है तो बताया उसको तो घर ही छोड़ के आते तू चेक कर तब तो वो फोन रखा उसने तो उनका जो घर था वही पास पास अटैच वाले घर थे तो दूसरा एक और लड़का रहता था उसके पास में पीछे घर पे उसका दोस्त थे तीनों कॉमन फ्रेंड थे तो उसे घर पे गए बोले यार ऐसे ऐसी बात है तो बोले अपन देख छत पे से चलते हैं तो वो छत पे से गए छत पे इतना सा गैप था सिर्फ इतना सा जिसपे से वो लड़का रोज कूद मतलब इतना क्या थोड़ा और बड़ा मान लो वो लड़का रोज कूद के आराम से करता ही तो कूद के चला गया नीचे नीचे जाके देखा तो उसका गेट खुला हुआ था तो गेट खुला हुआ था अंदर ऐसे दिए जल रहे थे लाइट वाइट सब बंद थी जा देखा तो पलंग के ऊपर आधे पलंग पे वो उसकी बॉडी थी और आधे पे लटका हुआ था नीचे ऐसे पूरा नंगा पड़ा हुआ था <coughs> उसके हाथ में ब्लेड से बहुत सारे कट लगे हुए थे नीचे कुछ बना हुआ था और उसके अंदर ब्लड से बिखरा हुआ था तो आए वही पन्नों पे वो मंत्र वगैरह कुछ लिखे हुए थे ऐसे करके तो आए उन्हें आके उसको उठाया तो बिल्कुल ऐसी आदमी सी हालत में था कि बेहोश सा था बिल्कुल अजीब सौ रखा था तो उन्होंने उसको उठाया कि क्या हो गया तेरे को क्या कर रहा है तू ये सब तो थोड़ा सा सख्त पाया पर बिल्कुल उसको नशे की दवाई दे दी किसी ने उसकी आँख ऐसे खुले और कुछ नहीं तो उसको इतना दिख रहा था कि ये लोग कुछ साफ़ कर रहे हैं और जो लड़का था ना पीछे रहता था, था वो पन्ने उठा के उसने वो पन्ने वहीं के वहीं जलाना शुरू कर दिया और जैसे उसने जलाना शुरू किए उसको गुस्सा आना शुरू हुआ तो पर वो हिम्मत नहीं थी उसकी उठने की तो तो जला दिए उसने जला जुलू के वो उसको लिटाया थोड़ा उसको साफ़ वाफ किया बढ़िया से लेखा कि हाँ सीरियस नहीं है नशे में है क्योंकि उसकी पी ली उसने बहुत है तो उसको लिटा के वो चले गए अच्छा इधर से रॉकी तो गया अपना गेट खोल और वो अपनी छत पे से गया वापस तो जैसे वो छत पे चढ़ के वो कूदने लगा उस गैप को उसी गैप के अंदर कूद गया वो मतलब गिर गया वो जो उसने थाउजेंड टाइम्स क्रॉस किया हुआ है वो गैप वो तो एज इट उस गैप में गिरा उसका पैर फ्रैक्चर हो गया जो कभी मतलब था ही नहीं कि उसमें वो गिर सकता है तो ठीक है गिर गया हो गया टूट गया फिर रॉकी को पता लगा उसको भी संभाल के आया फिर इसने तो बातचीत ही करना बंद कर दिया सारे लड़के ने तो इधर रॉकी सुबह आया उससे बोला तो रॉकी बोला मेरे को ना कल में कोई बात नहीं करनी अगर तू इसलिए आया ना तुम मता भाग यहाँ से मैं तेरे से इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि कल क्या हुआ था भगा दे उसको अब ईगो तो ईगो ही होता है वो भी चला गया भाड़ में जाए मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है तो जो करना है कर ठीक है अब इस दिन से मतलब ने नेक्स्ट डे से उसको ये फील होने लग गया था कि मेरे आसपास कुछ है हाँ दिखता कुछ नहीं था सुनाई ही कुछ नहीं आता फुस आती थी हल्की फुल्की समझ में कुछ नहीं आता था लेकिन उसकी खाने पीने की इच्छा बढ़ गई नॉन नॉनवेज मीट बढ़िया खाता था वो वैसे चलता था उनके घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी अल्कोहल का तो आपको पता ही शुरू से चल रहा था एक दिन दो दिन चार दिन पाँच दिन दस दिन के बाद तो उसको शेडो दिखने लग गई है कि एक शेडो घूम रही है और उसे प्रॉपर लगता है किसी ने उसका यहाँ पे हाथ यहाँ से सिर पकड़ा और कान में कोई कुछ कहने की कोशिश करा फुसफुस आ रहा है समझ में कुछ नहीं आता था तो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन हुआ अच्छा जब उसको वो शेडो दिखना शुरू हो गया तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है उसको फील होता था प्रॉपर सो so, ये प्रोसेस शुरू हो गया अब जैसा उसने बताया मैं वैसा एग्जैक्टली exactly सेम वो बता रहा हूँ कि जो क्या क्या चल रहा था उसका तो कान के अंदर उसको आवाज़ आना शुरू हुई धीरे धीरे वो आवाज़ आना क्लियर भी हुई मतलब अब उसको भाषा समझ में आने लग गई थी धीरे 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 मैं मैनिफेस्टेशन चल रहा था तो शायद बीस पच्चीस तीस दिन ऐसे कुछ हुए होंगे अब उसको ही मज़ा आ रहा था धीरे धीरे वो समझने लग गया वो क्या बात कह रही है क्या कर रही है तो अब वो खुश हो गया था कि अब इस बार आई एम सक्सेसफुल आ चुकी है वो और ही वॉज़ वेरी हैप्पी तो चलता रहा सब कुछ बढ़िया से उसको किसी बारे में कुछ पता करना है कोई भी बात करनी है सब वो बता देती थी, थी उसको और वो उसको अपनी जो उसको चाहिए वो उसको उसकी सप्लाई मिलती रहती थी रॉ मीट खाने लग गया था वो रॉ मीट कच्चा वाला पकाने की ज़रूरत ही नहीं है सीधा कच्चा मीट खाना शुरू कर दिया था उसने सो हुआ क्या कि एक दिन के बाद तो उसकी मदर आई उसके पास तो उसकी मदर आके बोलती है उसको बहुत दिनों से वो उससे बोलना भी चाह रही थी उसके प्यार से उसके पास बैठती है उसको गले लागे बोलती कि बेटा तेरी क्या हालत कर ली तूने कुछ खाता पीता भी नहीं है और तू ऐसा कैसा हो रहा है किसे बोलता नहीं है वो रह घबरा ऐसा रहता है तो उसने गले लगाया तो अब उसके मन में रिग्रेट आ गया अब रिग्रेट आ गया तो उसका रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गया अब वो रेजिस्टेंस झेल नहीं सकती वो तो बहुत ही इग्स एगेंटिटी तो जैसे उसका रेजिस्टेंस है हाँ अब उसने उसको हॉन्टिंग करना शुरू किया उसको मतलब अब जो अब तक जिसको वो सुख समझ रहा था उसके लिए दुख बन चुका था अब वो चाहता था कि ये चली जाए अच्छा मीन वाइल ले और हुआ इसके थोड़े दिनों बाद ही इसके पापा का अब एक्सीडेंट हो गया अच्छे गाँव चलते थे बड़े गाड़ी चलाते थे स्कॉर्पियो थी वो चलते चलते पलट गई और मरते मरते वो बचे पर आपने कहा था कि ये औरतों को ही करती है वो तो सबको दूर करेगी जो आपके पास आएगा यू आर द प्रॉपर्टी मेन मेजर ये होता है कि अगर कोई भी लेडी पास में आ गई हाँ। तो वो है बट अब उसका रेजिस्टेंस चालू हो गया था ना हाँ। अब उसका अपना अफेक्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो गया था पेरेंट्स की तरफ और लॉयल्टी किसकी तरफ होनी थी इसकी तरफ हाँ। तो उसका हो गया था ठीक है अब झेलो तो मदर का हुआ फिर फादर का तो दोनों से लग गया कि नहीं अब अब वो ये प्रार्थना करता था कि ये चली जाए कैसे भी करके चली जाए पर वो जाती नहीं थी वो रोज़ आती रोज रात पूरी पूरी रात वो सो नहीं पाता था कोने में बैठ के बिल्कुल घबराया हुआ सा और उसको जो करना था वो करके और जाती थी उसका तो जो था वो प्रॉपर सिस्टम सब कुछ वही था तो इस तरह से वो अब वो मनी मन रात भर जागता फिर सुबह तक सोता रहता धीरे धीरे उसके पापा को भी चीज़ें दिख ही रही थी तो जब सब चीज़ें इतनी बिगड़ गए उनको लग गया कि यार कुछ ना कुछ के साथ चल रहा है तो उन्होंने उसको कुछ भी नहीं बताया इनके ख़ुद के इनके गुरुजी थे उनका आश्रम तो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध तो वहाँ गए वो वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मेरे बेटे के साथ साथ पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा कि रात रात भर जागता रहता है और ऐसे ऐसी बात है तो उन्होंने बोला कि आपके लड़के की ज़िंदगी में ना कोई एन नाम की लड़की थी उसकी वजह से ये सब हो रहा है तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है तो इनके एक भैया थे इशू कुछ ऐसे कुछ नाम था उनका तो उनको उन्होंने बोला उन्होंने सारी डिटेल पता कि तो जिसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पता चला तो वो उन्होंने बोला हाँ पंडित जी ऐसा था बोले लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है पर वो मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा मेरे को आपके घर आना पड़ेगा तो बोलते कि ठीक है आप आ जाओ तो बोलते हैं आज तो नहीं मैं पंद्रह दिन के बाद आपके घर आऊँगा आप अपने बेटे को मत बताना और एक बार आप उससे मेरी बात करो फोन पर तो उन्होंने फ़ोन किया बोले बेटा ये गुरु जी तो उससे बात करना चाहते हैं तो दिन का टाइम था तो उन्होंने गुरु को प्रणाम किया जानता था तो, तो गुरु ने बोला कि बेटा एक बात बता मैं तुझे बोल मतलब मैं जब बोलूँ ना मैंने एक शब्द बोलूंगा तो तेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आए उसका नाम बताया ना तो गुरु ने बोला अच्छा एक फूल का नाम बताओ आपको मैं बोलूँ एक फूल का नाम बताओ आप क्या नाम लोग रोज़ रोज़ मोस्टली सबके नाम वो बोलता है पोस्त अफीम का जो डोडा होता है ना उसका पोस्त फूल होता है पोस्त का जिससे मतलब बेसिकली आपका ये गांजा वंजा सब ये सब अफीम तो आप जानते तो पोस्त का उसने नाम बोला पोस्त का नाम बोलते गुरुजी को कुछ ठंड का उन्होंने पेपर पे कुछ लिखा और बोला आप जाओ उसको कुछ मत बताना पंद्रह दिन के बाद मिलते हैं ठीक है तो आ गए पंद्रह दिन गुजारे उन्होंने कैसे कह पंद्रहवें दिन वो गुरु आए अच्छा वो गुरु आए आकर उन्होंने बोला कि तुम सब यहीं रहो अच्छा उनके साथ वो अपनी हमन सामग्री रखे थे और उनके साथ उनके कोई दो तीन लोग भी थे तो सब आए और उसको उसी के रूम में चले गए सीधा जाके जाकर उन्होंने चाहता रूम का निरीक्षण किया अपना सारा सामान वगैरह फैलाया वहाँ पर और फिर उसके बाद उन्होंने अपने कुछ पूजा वगैरह करना शुरू किया तो दो सेटअप उन्होंने बनाए थे एक इसके रूम में था और नीचे एक उन्होंने पूरा हवन बनवा रखा था उसमें तो सारे घर गर वाले वगैरह सब वहाँ बैठे थे इधर अंदर रूम में तीन लोग थे और गुरु थे और मतलब दो उनके वो असिस्टेंट गुरु और वो फिर उसके बाद उन्होंने मंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किए तो करीबन आधा घंटा ये मान लो अब चल रहा होगा चीज़ें तो फिर वो जो था उसको वहाँ बिठा दिया था लड़के को रवि को वो बैठ गया और उसका तो फील हो गया कि अब उसके चारों तरफ से एक काली परछाई उसके आसपास उसी के आसपास मंडरा रही है और इधर वो गुरुजी अपना अनुष्ठान करे जा रहे हैं मंत्र पढ़े जा रहे हैं तो अब उसको प्रॉपर फील हो रहा था कि उसके पीछे से एक परछाई निकली है और वो गुरुजी की तरफ गई है फिर वापस आई है ऐसे वो घूम रही है और घूमते घूमते उसको पैरों के निशान दिख रहे हैं खून से सने हुए हैं दिस इज़ वॉट ही टोल्ड लाइक तो लग रहा है प्रॉपर की वो चल के जा रहा है वापस आ रहा है जा रहा है आ रहा है और कुछ कान में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा है पर उसको समझ में नहीं आ रहा है फिर एकदम से वो पैरों के निशान भागना शुरू हुए पूरे कमरे के अंदर नीचे ऊपर दीवारों पे सब जगह वो भाग रहे हैं और कुछ दिख नहीं रहा है न बस निशान चलते जा रहे हैं निशान चलते जा रहे हैं फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भी और तेज मंत्र बोलना शुरू किया अब एकदम से पहले दो पैरों के निशान थे अब एकदम से वो छः पैरों के निशान हो गए मतलब दो की जगह एक की जगह तीन लोग भाग रहे हैं और फिर अल्टीमेटली ऐसे लग रहे हैं जो निशान चलते हुए कि दो आदमी किसी को खींच के घसीट के लेके जा रहे हैं तो कोई उन्होंने और दो एंटिटीज बुलाई जो उससे पावरफुल होगी उन्होंने उसको पकड़ लिया अब जो लड़ाई मारा पीटी की भी पकड़ के उसको फिर उसको लेके जा रहे जो आप बेहोश आदमी को लेके जाते हो घसीट के या जबस्ती घसीट ले जाते हो तो नीचे उतरे वो जो हवन था उस हवन के अंदर उसको बिठाया और वहाँ पर उसको बिठाकर उसके साथ वापस से पूजा वगैरह शुरू की तो एक नारियल लिया वो जो हवन में आग जलती उसी में से हाथ से राख निकाली उसके माथे पर लगाई वो नारियल को तलवार से काटा उसके अंदर डाला तो करीबन पंद्रह सोलह घंटे तक वो हवन चला और वो पंद्रह सोलह घंटे तक सारा प्रोसेस चलता रहा घर वाले सब वहीं के वहीं थे फिर जाके वो लड़का थोड़ा स्थिर हुआ शांत हुआ उन्होंने बोला कि अब ये ठीक हो गया है फिर उसको ऊपर लेकर गए फिर उसको समझाया अकेले में बात की उससे सात आठ घंटे तक उसके साथ बैठे रहे गुरु जी पूजा वो खत्म हो गई ना फिर थोड़ा रेस्ट करवाया फिर शाम के टाइम वापस पहुँचे उससे बोला बेटा क्या किया था तूने तो उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था बोले तो नहीं गलती कर तो लिया अब दोबारा मत करना ठीक है ना और अभी सब जो दूर है ना रोज़ तेरे को हनुमान चालसा पढ़नी सुबह शाम ठीक है अभी भी ऐसा नहीं है कि तू तो इससे मुक्त हो गया है तेरे को समय लगेगा उन्होंने कुछ बना के भी दिया उसको धागे हो गया तब वो बांधे और बोले जीवन में अब कभी दोबारा ये काम मत करना आज अगर मैं नहीं होता ना तो तुझे कोई नहीं बचा सकता तू जा चुका होता तुझे कोई रोक सकता नहीं मैं तो फिर इस तरह से जाके अब वो स्टेबल हुआ धीरे 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 अब बाहर है सब कुछ है तो उसने आधी अधूरी ज्ञान ले लिया स्टार्ट किया अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बट उसका रे तो उसकी किस्मत थी कि उसको एक ऐसा इंसान मिल गया जो शायद इससे उसको फ्री करवा पाया लेकिन अगर नहीं मिलता तो सर देखा जाए कितनी छोटी सी बात है घर वालों को बोल दो भाई हाँ फिर इस सबसे वो गुजरता ही नहीं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होना चाहिए घर वालों, वालों में और हमारा क्या है ना परसेप्शन सिस्टम ऐसे काम करता है हम लोग क्या सोचते हैं कि यार आप जैसे आप और मैं हूँ अपन साथ साथ रहते हैं अब कोई बात हो गई छोटी सी मेरे को आपको कोई बात बुरी लग गई अब मैं परसेप्शन बना लूंगा अपना अरे यार ये आदमी मेरा सोचता है ऐसा है गलत है ये है वो है अगर मैं भाई से बोल दूँ कि यार भाई तेरी बात बुरी लग गई बात वहीं ख़त्म हो जाएगी लेकिन लोग उसको घुटते रहते हैं अंदर अंदर पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता है क्लियर रहो ना साफ बोल दो कि यार ये बात है खत्म आपकी ज़िंदगी के आधे दुख तो यही दूर हो जाएंगे हाथ में दुखी क्यों है उसको कुछ लगता है कुछ बुरा लगा बोलेगा नहीं चलता रहे दिमाग मेरे साथ उसने उस दिन ये कर दिया ये चल रहा है ये मेरे बारे में यही सोचता है ये सोचता है वो घुटता रहता है घुटता रहता है साफ मुँह से बोल दे तो वैसे ही सुखी रहेगा आधे दुखते वैसे दूर है आदमी के तो भाई ये थी कहानी कर्ण पिशाचली की आई होप भाई जो भी बच्चे ये देख रहे हैं ना भाई इन्फ्लुएंस मत होना गलत तरीके से और बिल्कुल भी, 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 भी कोशिश मत कर लेना मैं एक चीज़ और बता दूँ जितना मैंने पढ़ा इसी के लिए उसको माइंड वो बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को वो दे रो नसीहत ये सिर्फ उन लोगों के लिए बेसिकली तो आप बोल बोलिए आप जो अघूरी जी बोल रहे थे बाबा उन्हीं के लिए क्योंकि ये उनके लिए जिन्होंने मुंह छोड़ दिया है काम से हर किसी चीज़ से मुंह छूट चुका है तो उनके पास वो पावर होती है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपकी भौतिक इच्छाएं ये जो इंस्ट्रूमेंट जो मटेरियल वर्ल्ड है अगर आप इसे डिटैच नहीं हो तो ये आपके लिए डेडली डेडली hmm. और दूसरी बात ये भी है कि कुछ है या नहीं है वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं लेट से नहीं है बट अगर है भी तो आप उसे क्यों इनबुक करना चाह रहे हो मतलब वॉट इज़ द रीज़न इससे बेटर है कि आप अगर करना चाहते हो सही रास्ते से करो अपने लेवल को बढ़ाओ स्पिरिचुअल लेवल को और फिर वहाँ पहुँच जाओ जहाँ पर आप उसे कंट्रोल कर सकते हो बट जब तक आप वहाँ पहुँचोगे कि आप डिजायर से फ्री हो चुके होंगे तो वैसे भी आप करना ही नहीं चाहोगे टाइम ही इतना लग जाएगा क्योंकि नहीं टाइम भी लग जाएगा ना। ये कोई वो, वो नहीं नहीं, नहीं आदमी करके हो रहा है अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो फिजिकल वर्ल्ड के उसके जो भी मटेरियल इच्छाएं हैं गाड़ी बंगला ये सब वो सब आ जाए मेरे पास इसीलिए तो वो कर रहा है इनवो उसको शॉर्टकट चाहिए जब आप लॉन्ग रास्ते से जाओगे तो आपकी इच्छा वैसे खत्म हो चुकी है सारी कहा बोलो अभी क्या ही करूँ इसको मैं सिद्ध करके तो फिर आप अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए सिर्फ वो कर सकते हो क्या मेरे पास ये पावर है इस समय किसी का भला कर सकता हूँ तो भाई बस कहानियों के के मजे लो आराम से बैठ लेकिन उसको वो मत करो कुछ भी, भी नहीं, नहीं करना कर 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 पर लेकिन जो भी है सर मजा आ गया यार आपके साथ <laughs> सेकंड टाइम भी बैठ के बढ़िया मजेदार किस्से सुना है आपने और डरावने भाई हमारे रोंगटे खड़े हुए हैं बार बार तो चलो जी इसी नोट पे पॉडकास्ट को स्ट करते हैं और सर, सर से मैं कह दूं सर हम तीसरी बार फिर से बैठने हैं जब भी आप आते हैं, उसको दो चार दिन बाद हम कहीं घूमने जाते हैं ये तो बिल्कुल सही बात आप सर आएंगे नवंबर दिसंबर के फिर आपको वापस एक नए जगह पे घूमने के लिए डन डन चलो जी मिलते हैं नए पॉडकास्ट में अगर आपको मजा आया तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड इस पॉडकास्ट को शेयर भी कर देना दबा दब अपने दोस्तों तक पहुँचा दो और दैट इज इट प्रिंसर के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बढ़िया मजेदार हॉर किस्से ये सुनाती है दिखाते हैं अपने चैनल पे गोल बटन यहाँ पर आ रहा है प्रिंसर का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है आप जाओ जाकर सर को फॉलो कर लो और अगर आपको हॉरर स्टोरीज पढ़ने का भी शौक है तो हमारी वेबसाइट है रियल हिट स्टोरीज डॉट कॉम आप जाके वहाँ ब्लॉग्स पढ़ सकते हो चीज़ें पढ़ सकते हो यही डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे वो उसको भी चेकआउट कर लो टिल देन मिलते हैं आपसे बाय बाय टेक केयर जय श्री राम जय बजरंग बली उम्मीद है आपको अच्छी नींद आएगी तीन बजे मत देखना इसको चलो बाय तो दोस्तों पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप रियल इलेवन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो हमारा रेफरल कोड रियल हिट और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों रियल इलेवन पर आपको लूडो जैसी गेम्स भी मिल जाएगी और आप यहाँ पे कॉन्टेस्ट एंटर कर सकते हो बहुत ही कम दाम में यही नहीं रियल इलेवन आपको जी फ्री डिपॉजिट भी देता है यानी कि जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपका जी डिडक्ट नहीं होगा तो दोस्तों डाउनलोड करो रियल इलेवन ऐप और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में टिल देन थैंक यू सो मच Bye-bye.